ओके गाइस लेट्स स्टार्ट कम ऑन। सो गाइस आज हम लोग फिर से वापस है चैप्टर नंबर 2 पे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर ऑन पेज नंबर 2.62। एवरीबॉडी वेलकम बैक। सो अगेन आपको वहां पे एक चिट्ठी लगाना है ऑन पेज नंबर 2.62। यू शुड बी ऑन पेज नंबर, भाई बैकग्राउंड चेंज करने बोलो उसको। वी आर ऑन पेज नंबर 2.62 और यहां पे लगा दो आप एक चिट्ठी जिसका नाम है MIS। MIS के ऊपर एक चिट्ठी लगाया जाए और लिखे वहां पे, एनी सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स, पेज नंबर 2.62, एनी सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स वाइज रिपोर्ट, WISE। वापस इस चैप्टर को हम लोग स्ट्रांग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हर चैप्टर को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स एंड स्टिकी नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक। दोस्तों MIS के पास चिट्ठी लगा के लिखना है, एनी सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स वाइज रिपोर्ट टू द मैनेजर, टू द मैनेजर फॉर टेकिंग डिसीजन, is called as MIS, example software of SPC, which provides sales wise day wise subject wise student wise state wise city wise GST wise reports to the manager, जैसे मैं मैनेजर हूं तो मुझे रिपोर्ट्स मिलते हैं, मैं क्या करूंगा देखिए, ताकि मैं कुछ देखकर डिसीजन ले सकता हूं। मान लो कोई स्टेट में कम सेल हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, कोई सेल्स पर्सनल कम सेल कर रहा तो फिर क्यों कर रहा है, मैं डिसीजन लूंगा फॉर डिसीजन मेकिंग। वन मोर एग्जाम्पल कौन सा है, टैली। क्या टैली भी आपको वाइज रिपोर्ट देता है? देखो अदर एग्जाम्पल, टैली चलो ठीक है। नेक्स्ट, अब MIS के अंदर कौन से इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अंडरलाइन द वर्ड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन MIS रिपोर्ट। ये क्वेश्चन याद रखो, अक्सर AI सब्जेक्ट में लोगों को आंसर याद होता है, क्वेश्चन लोग भूल जाते हैं। आंसर्स आर इजी, क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट। आपको क्वेश्चन देखने के बाद में आपको उसका आंसर रिकॉल होना बेहद जरूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है यू डू नॉट रिकॉल आंसर। आपने इसलिए आज के बाद में आंसर पे फोकस करने से ज्यादा फोकस ये करना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है, वरना आपको स्टार नाम की मेमोरी टेक्निक याद होगी पर किसकी है वो याद नहीं होगी। तो इसलिए आप वहां पे लिख दो स्टार। लिखा है आपने स्टार कहीं? स्टार का एस फॉर व्हाट? एस फॉर स्ट्रक्चर, टी फॉर टाइमलीनेस, ए फॉर एक्यूरेसी, आर फॉर, ये सब चार पॉइंट। वंस अगेन, S for structure, T for timeliness, A for accurate, R for star लिखा आपने वो पे और STR आपने अंडरलाइन कर दिया, बिल्कुल सही है। आप बताओ जरा चारों का मतलब क्या है? S for what? Come on guys, structure का मतलब बताइए, यानी कि it should be user friendly, उसको आसान। लिखो वहां पे चिट्ठी लगाई है आपने, पॉइंट चार लिखो, ऐसा रोमन फोर लिखो उसका एक्सपेंशन, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। ओके
टी का मतलब बोलिए, पॉइंट नंबर टू का मतलब बोलो, इट शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन टाइम. कौन सा घंटा उसके अंदर होगा. टी फॉर व्हाट, कम ऑन गाइस, मतलब उसने शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन टाइम. ए फॉर व्हाट, लिखो इंफॉर्मेशन शुड बी एरर फ्री. पॉइंट नंबर थ्री का एक्सप्लेनेशन है इंफॉर्मेशन शुड बी एरर फ्री. इंफॉर्मेशन शुड बी एरर फ्री. और रिलेवेंट मतलब क्या, रिलेवेंट मतलब अगर मेरा बिजनेस जो है, अगर मैं सीमेंट का बिजनेस, सीमेंट के बारे में अभी भलते, अब तुम उसमें अगर मैं क्रिकेट हूं, आईपीएल की इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे और क्रिकेट वालों को सीमेंट बता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए. एवरीबॉडी गॉट इट. ए गाइस आर देयर, कम ऑन, इट शुड बी रिलेवेंट. रिलेवेंट मतलब रिलेवेंट है, बस मैं ऑलरेडी लिखा है रिलेवेंट का मतलब क्या है. चलो अगला प्रश्न आपके लिए खास, कम ऑन चेक इट आउट गाइस. बोलो भाई बोलो क्या बोल रहा हूं मैं. यहां पे लिखा है देखो इंटीग्रेशन विथ अदर मॉड्यूल. समझ में आ रहा है, ये ईआरपी के बहुत सारे मॉड्यूल्स है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ईआरपी के मॉड्यूल आपने 11 मॉड्यूल्स ऑलरेडी देखे बच्चों. लास्ट वाला पॉइंट देखो, एग्जांपल ऑफ ईआरपी मॉड्यूल्स दिख रहा है क्या. यहां तो 6 लिखे, ऊपर अपने 11 देख चुके. ये 6 है, ऊपर 11 मॉड्यूल देख चुके. लिख दो यहां पे, ये सिमिलर क्वेश्चन है. किससे सिमिलर क्वेश्चन, ये देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री रिक्वायर डिफरेंट मॉड्यूल्स. समझ गया, ये ईआरपी के मॉड्यूल्स 11 मॉड्यूल्स दिख लिए ना हमने, तो यही लिख रहा है वो यहाँ पे. बोले देखो ईआरपी के अंदर मॉड्यूल्स, तो ये तो 6 दिए. क्या हमने ऑलरेडी सारे मॉड्यूल्स देखे हैं? मटेरियल मैनेजमेंट बोल तो बाबा रामदेव वाला, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, फाइनेंस, एचआर, ये सब देख लिया. लिखो वहाँ पे उसके नीचे, ऑलरेडी वी हैव सीन 11 मॉड्यूल, 11 मॉड्यूल्स ऑन पेज नंबर 2.62 एंड 2.61 एंड 2.62. गॉट इट, या उसके बाजू में ठीक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन पॉइंट बोल के. क्या आपको लगता है ईआरपी में एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल की जानकारी देख सकता है? ऑलरेडी इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा हमने. हम लोग कर रहे थे परचेस, तो परचेस करते समय जिस बंदे से हम लोग परचेस कर रहे थे तो बहुत सारे कोटेशंस आए. फिर हमने सेलेक्ट करने से पहले उन वेंडर्स का कुंडली देखा पूरा, क्या क्या. तो मैं परचेस वाला, मैं देख रहा हूँ वेंडर्स. समझ में आ रहा है, मैं परचेस कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है इन्वेंट्री कितना माल पड़ा है, उसके हिसाब से मैं परचेस करता हूँ. और मैं परचेस कर लेता हूँ ना, वो जानकारी प्रोडक्शन को भी दिखती है, ताकि प्रोडक्शन को समझे कब प्रोडक्शन कर रहा. उल्टा बोलो, सेल्स करते समय कोई मुझे लैपटॉप मांग रहा है, वो बोल रहा मुझे 18 तारीख को नहीं 12 तारीख को चाहिए, तो मैं कस्टमर की पूरी जानकारी लूंगा, कस्टमर कितना लॉयल है. मुझे इन्वेंट्री का नॉलेज होना चाहिए, मुझे लॉजिस्टिक का नॉलेज होना चाहिए. यानी मैं हूं कौन, सेल्स वाला, मुझे दिख रहा सीआरएम है, मुझे दिख रहा लॉजिस्टिक है, मुझे दिख रहा इन्वेंट्री है. यानी कि आप कह सकते हो ईआरपी में एक मॉड्यूल दूसरे से मॉड्यूल से लिंक्ड होता है. वहां पे जरा लिखो चिट्ठी लगा के इंटीग्रेशन में. इन द रियल लाइफ एग्जांपल, इन द रियल लाइफ एग्जांपल, शोन इन द क्लास, शोन इन द क्लास, इट इज ऑब्जर्व्ड. क्या ऑब्जर्व किया हमने, अरे इट इज ऑब्जर्व व्हाट, लिखो सेल्स मॉड्यूल, सेल्स मॉड्यूल इज लिंक्ड विथ, सेल्स मॉड्यूल इज लिंक्ड विथ, बोलो भाई, लिंक्ड विथ इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक, सीआरएम. है ना, इट मीन्स वी हैव अंडरस्टूड. हमें क्या समझ में आया,
वन मॉड्यूल्स कैन बी लिंक्ड विथ ऑब्लिक इंटीग्रेटेड विथ लिंक्ड विथ ऑब्लिक इंटीग्रेटेड विथ अदर मॉड्यूल अदर मॉड्यूल एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से लिंक्ड हो सकता है. जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल दिए मटेरियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंस. ये मटेरियल मैनेजमेंट तो बाबा रामदेव वाला परचेस वाला है, तो परचेस वाले को फाइनेंस और फाइनेंस वाले को परचेस पता होना चाहिए. क्यों फाइनेंस वाले को परचेस पता होना चाहिए? फाइनेंस वाले को परचेस वाले को पैसे देना पड़ेंगे. अगर उसको परचेस की जानकारी ही नहीं होगी तो फंड्स का जुगाड़ कैसे करेगा? बराबर है. दूसरा पॉइंट बताओ, फाइनेंस के संबंध एचआर से क्यों होना चाहिए? एचआर वाला सैलरी बना देगा और फाइनेंस वाले को मालूम ही नहीं चलेगा तो क्या देगा वो. इसलिए फाइनेंस वाले को दिखना चाहिए कि एचआर ने क्या पेरोल बनाया है, ताकि उसके हिसाब से वो पेमेंट कर सके. अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू मेक द पेमेंट. ही विल नॉट अंडरस्टैंड किसको पेमेंट करना है. उसके बाद में लिखा है रोवन 3 में मटेरियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन. बताओ ये क्या आपको संबंध समझ रहा है क्या? यानी कि परचेस करने वाले के संबंध प्रोडक्शन से होना चाहिए. क्यों? मटेरियल मैनेजमेंट यानी कि परचेस. मक्खन परचेस करने वाले को प्रोडक्शन क्यों पता होना चाहिए? अगर मटेरियल मैनेजमेंट को यही पता नहीं कि प्रोडक्शन वाले को कितना प्रोडक्शन करते समय और कितना मक्खन लगने वाला है, तो परचेस क्या करेगा वो? आपको पता है क्या, प्रोडक्शन वाला रिक्विजिशन भेजता है उसको, अरे भाई परचेस कर ले, तो ऐसा फोन वोन नहीं लगाता वो. अपने आप ही प्रोडक्शन की सारी जानकारी मटेरियल मैनेजमेंट को दिखती है और अकॉर्डिंगली वो बाय करता है. इज दैट अंडरस्टूड? वैसा है. और एक चलो एक और कर लेते मटेरियल एक. चलो वैसे आपको सब समझ ही गया है, मतलब आपको समझ रहा है. ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स है. ये कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 6 इंटीग्रेशन है. आप ही समझो ऐसा क्या बोलना चाहती. ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत सारे लिंक्ड होते हैं, पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा हम लोग समझाना चाहते हैं कि ऐसी लिंकिंग होती है. अगर लिंकिंग नहीं होती तो वहां पे मैनुअल कम्युनिकेशन करना पड़ता. अरे भाई मक्खन खरीद, अरे भाई मक्खन खरीद, ऐसा बोलते नहीं अब. अरे भाई सैलरी दो ना, मैंने भेज दिया ना ईमेल पे, देख लो ना आप, एक लोगों का सैलरी भेजा है तुम कर दो, ऐसा नहीं है. वो एचआर की शीट बन जाती है, वो अपलोड हो जाती है, वो तुरंत ही फाइनेंस वाले को दिख जाती है. तो एचआर वाला फाइनेंस को बोलता नहीं कि पेमेंट करो, वो अपने आप उसको दिखने लग जाती, बिकॉज दोनों का डेटाबेस कॉमन है. Is that okay? तो ऐसे लिंक्ड होते. तो वहां पे लिखेंगे आप, यहां पे नीचे यहां पे जगह है ना, यहां पे जगह है, लिखो लिखो. दीज आर दी फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इंटीग्रेशन इन ईआरपी सिस्टम. दीज आर दी बोलो क्या फ्यू एग्जाम्पल्स These are the few examples of integration in ERP system. There could be several bolo na there could be several different types of integration. मतलब ये जो 6 दिए वो 6 ही नहीं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं. किसको भी किससे जोड़ सकते हैं आप, है ना? लाइक इन एसपीसी सेल्स मॉड्यूल इज लिंक्ड विथ, बोलो, सेल्स होने पर डिस्पैच को मालूम चल जाता है, ताकि वो बुक्स निकाल देता है. सेल्स मॉड्यूल इज लिंक्ड विथ डिस्पैच. टेक्निकल CRM, इन सबको मालूम चल जाता है. बहुत बढ़िया. इस पूरे पेज पे एक ही क्वेश्चन बाकी है. अ टिपिकल लाइफ साइकिल ऑफ एन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में इंक्लूड. अब देखो आपको कैसा कंफ्यूजन हो. यहां पे देखो सावधान इंडिया, लिखो आप सावधान इंडिया. कहां पे सर, क्यों सावधान इंडिया? यहां पे कुछ तो आपको दर्द हो सकता है. ये भी अकाउंटिंग दिखता है, ऐसा कोई क्वेश्चन पहले भी हमने किया था, इसलिए लिखा हमने सावधान इंडिया. लिखो सिमिलर क्वेश्चन इज अवेलेबल ऑन, वहां पे लिखो ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. सिमिलर क्वेश्चन इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 2.59.
सिमिलर क्वेश्चन इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 2.59. लिखो, दैट इज अकाउंटिंग फ्लो फ्रॉम द एंगल ऑफ सॉफ्टवेयर. अकाउंटिंग फ्लो फ्रॉम द एंगल ऑफ सॉफ्टवेयर. अकाउंटिंग फ्लो फ्रॉम द एंगल ऑफ सॉफ्टवेयर. सर क्या था, जरा एक क्वेश्चन देखो. दो काम इंसान करते, बाकी सब सॉफ्टवेयर करता. ये भी अकाउंट का फ्लो है. फर्नीचर बाय किया, वो ट्रांजैक्शन है. फिर जर्नल एंट्री पास की, फिर पोस्टिंग होता, बैलेंसिंग होता, ट्रायल बैलेंस निकलता, दो बच्चे बनेंगे, पेंडल अकाउंट, बैलेंस शीट. हमने याद किया था इसमें फ्रॉम सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कितना काम करता है, पहले दो छोड़ के बाकी सब सॉफ्टवेयर करता है. अब ये भी अकाउंट का फ्लो ही है. और इधर एक क्वेश्चन का नाम पढ़ो. अ टिपिकल लाइफ साइकिल ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. तो अब एग्जामिनेशन में क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा और वो पूछा, कहीं ऐसा ना हो जाए वो यही पूछे और आप वो लिख दे, और वो पूछे आप ये लिख दे, वाइस वर्सा हो सकता है आपकी. बिकॉज एग्जामिनेशन में आदमी को कुछ भी समझ में क्या है कि उसको वो उसको यार वो याद आ गए, पूछा था ये. यहां पे क्या लिखा है, टिपिकल लाइफ साइकिल ऑफ अकाउंटिंग. ये सॉफ्टवेयर और ह्यूमन बींग के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल, इन जनरल क्या होता है अकाउंट्स में. तो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, एक वाउचर आया फर्नीचर का, फिर आपने जर्नल एंट्री पास की, फिर लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आता है, एडजस्टमेंट आता है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आता है, फिर क्लोजिंग एंट्रीज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते. वैसा नहीं है, ह्यूमन वगैरह कुछ नहीं है. इन जनरल लाइफ साइकिल अकाउंट्स में होता क्या है, जनरली अकाउंट्स में होता क्या है, डोंट थिंक इट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू. ह्यूमन में इन जनरल क्या होता है अकाउंट्स में, क्या लोग सोर्स लाते हैं, जनरल एंट्री मारते हैं, फिर लेजर होता, लेजर बनने के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, लेजर को नीचे चेंज है, तो ट्रायल बैलेंस में कुछ डेबिट होगा, कुछ क्रेडिट होगा. पर कुछ चीजें हमारी बाद में क्लियर होती है कि जैसे आपने डेटर्स माना है पर वो बैड डेट्स हो गए, तो वैसे एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, फिर वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा. फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे. क्लोज करेंगे यानी कि उसमें से कि कुछ चीजें पेंडल में जाएंगी और कुछ चीजें बैलेंस शीट में जाएंगी. तो वो पेंडल जो बैलेंस शीट बनाए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. हालांकि अगर ये भी देखे वो भी देखे, काफी चीज सिमिलरिटी है. पर क्या है ना, आईसीएआर ने ग्रेट ग्रैंड मस्ती करी है. एक्चुअली ऐसे दो दो सवाल पूछकर इंसान को कंफ्यूज करने वाला काम किया है आईसीएआर ने. ऐसा देखेगा ना बहुत एकदम वो अलग और ये अलग, ऐसा नहीं है लगभग. अब देखो पहले दो एंट्री ये उधर लिखा है, हमने पहले क्या लिखा था, वहां पर एक ट्रांजेक्शन होता, यहां पर लिखा सोर्स होता. फिर वहां पर बोलता है कि उधर एक क्या होता है, वो ये करते हैं हम लोग एंट्री करते, यहां पे लिखा जर्नल होता है, वहां पे लिखा पोस्टिंग होता है, यहां पे लिखा लेजर होता है, फिर बैलेंसिंग लिखा, यहां पे बैलेंसिंग उड़ा दिया, और फिर उन्होंने लिखा ट्रायल बैलेंस बनता, तो यहां पे ट्रायल बैलेंस आ गया. फिर उन्होंने लिखा ट्रायल बैलेंस से दो बच्चे बनेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये डायरेक्ट आया. उन्होंने एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ये लिखा ही नहीं. अब क्यों नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं है सर. वो वैसा क्यों, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने लिख के दिया. पर मेरा मानना है अगर मैं मॉड्यूल बनाता तो ऐसे विचित्र क्वेश्चन देखिए बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करता. क्या है वो, जेने लिखने वाले ने लिख दिया. कभी कभी लिखने वाले क्या करते हैं, आईसीए वाले क्या करते हैं, पैसे देते. ये 5 लाख रुपए एक चैप्टर बना के दे. आईसीए खुद नहीं बनाता चैप्टर, अंडरस्टैंड करो मैं क्या बोल रहा हूं. आईसीए खुद चैप्टर नहीं बना, आईसीएस में ऐसे अपने ऐसे नहीं कि हुशार लोग जो सीए बन जाते ना उनको असाइनमेंट देते, भैया एक चैप्टर बना के देना. और भैया एग्जाम वो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा, वो उसको लग रहा है ठीक रहा, उसने इतना सोचा नहीं कि स्टूडेंट को क्या क्या, मतलब ही इज नॉट थिंकिंग फ्रॉम द आईसीए के पास में रिव्यू करने के लिए. वो भी ईआईएस के बंदे बहुत कम है, अकाउंट्स के बंदे बहुत है, क्योंकि अकाउंट्स हमारे खून में बसा हुआ है. तो अकाउंट्स में एफएम में गलतियां जल्दी से नहीं करेंगे. पर जाता कि ईआईएस की बात है, टेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, इसको रिव्यू करने वाले लोग भी तो चाहिए ना, क्योंकि अपन सीए फैटर्निटी के लोग है. तो क्या है ना, कुछ गलतियां ऐसे मॉड्यूल में छोड़ जाते हैं और जिसका नुकसान हमें भुगतना पड़ता है. जैसे कितने क्लोजली एसोसिएटेड क्वेश्चन है, ये टिपिकल साइकिल ऑफ अकाउंटिंग है और वो लिखा है अकाउंटिंग फ्लो फ्रॉम द एंगल ऑफ सॉफ्टवेयर. हालांकि वास्तविक जीवन में कोई मीनिंग वाइज कंसेप्ट वाइज डिफरेंस नहीं है. पर क्या होता है, जब एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया और हमने वो लिखा और उसमें क्या होगा, वो जो चेक करने वाले के पास में इसका सजेस्टेड आंसर है. अब वो तो नहीं, एडी तो हेडिंग तो पूरी मिसमैच हो रही, ये बंदे को आ नहीं. अब चेक करने वाला भी तो होशियार होना चाहिए कि जिसको ये समझे कि दोनों ऑलमोस्ट सेम है.
पर सोचो यस का चेक करने वाला बंदा अगर इंजीनियर होगा, समझा मैं क्या, क्योंकि यस को चेक करने वाले लोग जरूरी नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, उसको हो सकता है अकाउंट का उतना नॉलेज नहीं, वो बोलेगा नहीं नहीं ये अलग, ये अलग है, मतलब सारा किया कराया एशिया का भुगते हम जैसे लोग, दैट इज मुमकिन। ये आपको समझना पड़ेगा, ये रियल लाइफ डिफिकल्टी है, आईसीआई को भी डिफिकल्ट, बिकॉज ऐसे चैप्टर बनाएगा कौन, ये ऐसे कोई आपको लग रहा है कोई आदमी बहुत सीरियस होके बैठ के बुक बनाया, ऐसा नहीं। हाँ, उन्होंने सिलेबस किसी आदमी को डिफाइन कर दिया, भैया एक ईआरपी के ऊपर चैप्टर बना देना बोला आपने को, तुमने ईआरपी उसके बोले अच्छा बना के देना एक मस्त। तो ऐसी तरह से मॉड्यूल बनते हैं, ऐसे के मॉड्यूल ऐसे, मतलब आईसीआई के बिल्डिंग के अंदर 50 लोग बैठे ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये असाइनमेंट है, भैया ये तुम बना दो, भैया ये तुम बना दो, पांच चैप्टर पांच लेवल बना। इसीलिए मालूम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के जो क्वेश्चन है वो दो दो तीन तीन चैप्टर में, क्यों, एक चैप्टर एक आदमी ने बनाया, एक चैप्टर एक आदमी ने बनाया, उसको मालूम नहीं चैप्टर फोर में भी चैप्टर फाइव में भी आईटी है, वो चैप्टर टू में भी आईटी है। तो होता क्या है ना, इसके देयर विल बी लॉट ऑफ समटाइम्स रिपीटेशन, इधर भी दिख रहा है उधर भी दिख रहा है, कि इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि बनाने वाले जो लोग है ना, एक आपको ये कभी समझ में, एक आदमी ने बैठ के पूरे पांच चैप्टर बना दिया ऐसे की बॉडी बने, वो क्या करते हैं सिलेबस को डिफाइन करते कि भाई चलो ईआरपी के ऊपर एक चैप्टर ले लेते, बिकॉज ईआरपी बहुत चल रहा है मार्केट में, चलो भैया बना देना ईआरपी पे, चल तू लग जा। हाँ, एक चैप्टर फोर में जो रिसेंट टेक्नोलॉजी आई ना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर तुम बना, तुम ढूंढ लेना क्या क्या चल रहा है दुनिया में, उसको दे दिया एक चैप्टर। ऐसा करते स्कोप डिसाइड कर रही, समझे, कि बच्चों को किस टाइप का नॉलेज देना है, पर उसके बाद में आईसीए का रोल वहां खत्म हो जाता, फिर वो लोग बनाते हैं उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर क्या क्वेश्चन डालना है क्या नहीं डालना है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। और ईआई से ना एफएम है, लॉ है, टैक्स ही अपने खून वाले सब्जेक्ट है, जहां पे उसको देखने वाले बुद्धिजीवी लोग भी हमारे पास, इसके बुद्धिजीवी लोग कम है ना, ये सब्जेक्ट कौन सा है, हम कर रहे क्या। तो कभी कभी मैं क्यों बता रहा हूं कि ये अपनी तुम्हारी मेरी गलती नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, ये ग्रेट ग्रैंड मस्ती हुई है उस बंदे से जिसने बुक बनाई है, उसने ऐसे क्वेश्चन, ये छिछोरे क्वेश्चन देना नहीं, ये क्वेश्चन तकलीफ देते हैं एग्जामिनेशन में, मैं आपको ये बता रहा हूं, और इसलिए आपको दिमाग में ठान लेना है, वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, सॉफ्टवेयर फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, तो वो लिखना है। अभी मन में याद करो, याद मीनिंग वाइज डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम ही है, पर हेडिंग्स चेंज है। और ये क्या है, टिपिकल अकाउंटिंग साइकिल है। तो बोलो टिपिकल अकाउंटिंग साइकिल क्या होंगी, एक सोर्स हुआ, फिर जर्नल हुआ, लेजर बना, ट्रायल बैलेंस बना, फिर एडजस्टमेंट आई, एडजस्ट ट्रायल बैलेंस करेंगे, और फिर अगर क्लोज करेंगे, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। ये बना आपका टिपिकल अकाउंटिंग साइकिल। और उधर बोलो, तुरंत बोल गया तो, हाँ, ट्रांजेक्शन होता है जर्नल एंट्री, वाउचर एंट्री जर्नल एंट्री है ना, वो ह्यूमन करता है, बाद में पोस्टिंग है, फिर उसका बैलेंसिंग है, फिर ट्रायल बैलेंस है, फिर उससे पीएनएल बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, ये सारे काम सॉफ्टवेयर खुद करता है। आपको दोनों क्वेश्चन को समझ गया ना, इसका नाम क्या है, टिपिकल लाइफ साइकिल ऑफ अकाउंटिंग, और उसका नाम क्या है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे भी जाके लिखो सिमिलर क्वेश्चन इज देयर ऑन, अब उसको बुलाना इधर है, तो इसको बोलो उधर भी, तेरा भाई एक जुड़वा भाई, मेले में बिछड़े हुए दो लोग है, यहां पर लिखो तेरा भाई उधर है, किधर, पेज नंबर 2.59 पे लिखो तेरा सिमिलर क्वेश्चन उस पेज पे है। अब समझा हम लोग चार्ट पे क्या करते हैं, चार्ट पे इन सारी चीजों को जब मैं पढ़ाता हूं ना, तब मैं इतना ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि तब मेरा पढ़ाने में वो कौन सा, अभी क्या है, मैं आपको दोनों पढ़ लिया, अब मैं आपको बता सकता हूं, देख बेटा ये भी उधर पढ़ा, देख बेटा इधर पढ़ा, और चार्ट से कैसा ना वो बाजू बाजू में दिखते क्वेश्चन, अब वो बुक में कैसा है, वो 25 पेज बाद एक क्वेश्चन आता, तो तब तक तो अपन ये भूल गया था ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ा था। अब मैंने कल गर्मा गर्म पढ़ा आपको, तो आपको ये क्वेश्चन याद होना जरूरी। अगर मैं आपको ये बताऊंगा और बोलूंगा पहले ऐसे देखा, तो आपको ये भी नहीं याद पहले देखा था, क्योंकि अपन बुक में 20-50 पन्नों का पेज रहता ना, अपन भूल जाते हैं अपने क्या क्या पढ़ा। अब चार्ट में पूरा मिला के 8 ही पेज है, तो आप यूके अच्छा ओके इधर देखा था, अच्छा इधर देखा, तो यू आर एबल टू कंपेयर। इसलिए चार्ट का उपयोग होता है, और आप जब एग्जामिनेशन के पहले दिन भी पढ़ोगे तो आपको तुरंत देखना, अच्छा इधर ऐसा, इधर इधर ये नाम है, अच्छा इधर ये नाम है, यू आर एबल टू कंपेयर। दैट्स द ब्यूटी ऑफ चार्ट्स। ओके, समझ गया, ये खत्म हो गया, अब उसके बाद वाला ये कुछ काम का नहीं है क्वेश्चन, ठीक है आ गया। जो पेज नंबर कौन सा, 2.64 एंड 2.65, अब अपने दो ही पेज बचे क्या, अरे बोलो भाई, मतलब दो पेज हो गया तो अपना हो गया, बेस्ट है। आ जाओ 2.64, एक्सबीएल के ऊपर चिट्ठी लगा देंगे।
क्यों? कौन बोला इसे? वो जो रैक है उसके अंदर उसका स्विच किसने बंद किया? वो स्विच ऑन रैक के अंदर, क्या रैक? प्रसाद के ऑफिस के बाजू में उसको ऑन कर दे बस। समझा? एवरीबॉडी गॉट इट? XBRL बोलो क्या था इसका लॉन्ग फॉर्म पहले बोलो। आपको बता देना चाह रहे हैं कि एग्जामिनेशन में 30 मार्क के क्वेश्चन है MCQ बेस्ड होते, पर आजकल उनको बहुत मस्ती सूची। वो MCQ में भी क्या कर रहे हैं, वो पैसेज वाइज पूछ रहे हैं। आपको पता ना इंग्लिश में पैसेज पूछते थे, वो एक पैसेज दे रहे उसके ऊपर चार क्वेश्चन बना रहे। उनको नए नए फंडे सूझ रहे आजकल, मतलब इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे वहां, उन्होंने पहले दो आइटम में MCQ दिए, लोगों को बम्बार्डिंग मार्क्स आए, उनको लगा ऐसे कैसे हो रहा है, इतने मार्क्स कैसे आ रहे। बोले ऐसा नहीं होंगे, मार्क्स तो इतने थोड़ी ना मार्क्स देंगे। तो बोले काम करते MCQ में भी थोड़ा सा ऐसा MCQ बना रहे आप, अंदर घुसेड़ घुसेड़ के, मतलब आपको इज्जत से जीने नहीं देंगे वो। मैं अभी क्वेश्चन बैंक लूंगा ना, आपको बताऊंगा क्या इरादे है। पहले कैसा था, प्लेन MCQ पूछ रहे थे, चार ऑप्शन दिए इसमें से बताओ, तो लोगों ने धनाधन 30 में से 25 लाए। पर उनको अब ऐसा लगने लगा यार ऐसे इतने कैसे, इतने थोड़े मार्क्स मिलते EIS में, नहीं ऐसे कैसे इतने रिजल्ट EIS में, थोड़ा सा मजा लो। बोले मार्क्स कहाँ देंगे आपको, अकाउंट में देंगे, FM में देंगे, वो क्योंकि प्रैक्टिकल है ना, थ्योरी में कैसे मार्क्स आ रहे हैं। 30 में लोग क्या कर रहे हैं, 30 में से 30 ला रहे हैं और 70 में से 30-40 आ ही जा रहे हैं। तो मतलब 70-80 मार्क्स में उनको थोड़ा दिमाग को टेंशन होगा, EIS में मार्क्स कैसे आ रहे, बिकॉज फेल कराने के लिए EIS सब्जेक्ट था उनके पास। क्योंकि ग्रुप टू में दो सब्जेक्ट है जहां पे मार्क्स आ रहे, अकाउंट एडवांस अकाउंट और FM। अब दो बच्चे जहां पे बजा सकते हैं ऑडिट और EIS, अब जिसमें बजा रहे उसमें भी मार्क्स आ रहे। अब क्या अभी सारे बच्चे पास हो जाएंगे ना, तो ऐसे का टारगेट है 20% लोगों को पास करने का। अब पास हो रहे 40% लोग, तो ऐसे वो कंफ्यूजन है, समझा? उनके उनके उनकी विडंबना अलग है, क्योंकि दिमाग में डिसाइडेड नंबर है भाई इस बार 20% रिजल्ट लगाना है। अब पास हो रहे 40% लोग, तो बोल रहा ऐसा नहीं चलेगा, सब में अगर मार्क्स देंगे तो सारे बच्चे पास हो जाएंगे। तो बोले काम करो और बजाओ। तो जो MCQ बोल तो दिया, अब MCQ का ऐलान कर दिया, अब बोलकर तो फंस गए। तो अब क्या करें, MCQ हटा नहीं सकते, तो उसको MCQ को अब लाया नया वर्जन 2.0। समझा कि स्ट्रेटेजी कैसा था? वो उनकी स्ट्रेटेजी क्या है भाई, FM में काट नहीं सकते एडवांस अकाउंट में, क्योंकि लोग पेपर मंगा तो लोग बजाएंगे ना, भाई मेरा आंसर करेक्ट है ला मार्क्स दे, क्योंकि आप लड़ लोगे ना, भाई मेरा आंसर बराबर है तो बराबर है, 10 मार्क्स है तो 10 मार्क्स है। अब EIS में कैसा ना, ऐसा ये कोई डिजिट्स नहीं है, कोई ऐसा बोल नहीं सकता मेरा करेक्ट है, क्योंकि आपकी इंग्लिश उनकी इंग्लिश ऐसी मैच नहीं होंगी। वो बोलेंगे तेरा मजा नहीं, तेरा देख यहां पे उनके इसमें स्कोप बचता है आपकी काटने की। FM और एडवांस अकाउंट में वो बजाएंगे नहीं, क्योंकि वहां पे अगर आंसर सही ना, बच्चा केस ठोक देगा ICAI के ऊपर, भाई तू मार्क्स कैसे कट कर रहा है, क्योंकि तेरा सजेस्टर का आंसर यही है, नंबर टू नंबर टैली हो रहा है। जैसे मान लो 9.2% अगर आंसर है और आपका भी FM में 9.2, तो आप बोलेंगे करेक्ट है मेरा, तो फुल मार्क्स। अब EIS में और ऑडिट में अब वो कुछ भी बोले मजा नहीं आया, आप बहुत अच्छा है, अच्छा है पर वो थोड़ा, अरे थोड़ा क्या ना वो दो। अब उसमें कैसा है, EIS में और ऑडिट में प्रेजेंटेशन की भी बात होती है, कुछ लोगों की हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें कट 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 करने का नहीं, कि उनके उसमें स्कोप है। आप गलत नहीं है पर वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उनको इतने बच्चों को पास नहीं करना है। तो उनके उसमें दो हथियार है, हथियार नंबर एक ऑडिट, हथियार नंबर टू EIS। तो इतना आसानी से जीने नहीं देंगे। अगर आपको EIS में कल्चर के थोड़े से मार्क्स कम भी आए अकाउंट से, तो वो पहले से आपको दिमाग बनाना वो आने ही वाले हैं। हालांकि मैं FM पढ़ा रहा हूं और मैं ASM पढ़ा, तो मैंने तो बोलना चाहिए आपको EIS में बहुत मार्क्स आएंगे, पर मैं क्या बोल रहा हूं वैसा नहीं, वो सब्जेक्ट का उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास में इन दोनों सब्जेक्ट के अलावा, आप उनका सोचो ना, आप तुम्हारा मत सोचो दो मिनट, तुम एज ए स्टूडेंट मत सोचो, तुम सोचो उनके बल, तो सारे बच्चे पास हो जाएंगे ना, फिर अपना वैल्यू कम हो जाएगा। बोले CA कोई भी आ रहा, CPT का रिजल्ट भी 40% लग रहा, इंटर भी 40%, बच्चा आ गए फाइनल में, अनुवित सब बच्चों को एक अटेम में पास कर देंगे, तो उनकी फीस कैसी मिलेंगी उनको, किनकी? अब 2-4-5-10 बार फेल करेंगे तो उनको भी तो मजा आना ना, रिसीट भी तो होना। तो ये सारे उनके कैलकुलेशन होते हैं, सबको पास करेंगे तो अपना डिमांड सप्लाई भी तो मैच होना। तो इंडस्ट्री में बच्चे आ गए, बहुत सारे CA बोलेंगे जॉब नहीं मिल रहा, तो ऐसे की इज्जत चले जाएंगे, नहीं समझे? अब समझे, एक अटेम में 10,000 बच्चे, 50,000 बच्चे आ गए मार्केट में,
जॉब है 5,000 बच्चों को, 45,000 बच्चे घूम रहे इधर उधर, फिर लोग क्या बोलेंगे, अरे वैल्यू नहीं, क्या कर रहा सीए। तो आईसीए को वो भी तो मेंटेन करना है ना। तो ये सारा माया जाल जो है वो समझ के लो, आप सिर्फ ईएएस को ईएएस जैसा पढ़ो, आपको पूरा गणित समझना कि इसमें हो क्या रहा, ओके। और ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे 70-80 लाने की, पर अगर मान लो अगर कम आए भी तो आपकी गलती से नहीं आते, उनको उनकी परेशानी अलग है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मारेंगे, ए सबके ऑडिट में से 10-10 मार्क कम करो रे, हाँ कर देंगे, सबके ईएएस में से 10-10 कम करो रे, क्योंकि अगर उनको लग रहा है ज्यादा बच्चे पास हो रहे तो कैसे कट करेंगे, ए सब में से 12 10-10 कम करो रे। तो आपको लगे यार मैंने ईएएस तो इतना भारी लिखा, ईएएस में तो मैं बेस्ट था, मेरे को तो उम्मीद थी एफएम से ज्यादा ईएएस में आएंगे, अरे आप सही थे, आपकी प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको सबको नहीं पास करना, उनकी अलग प्रॉब्लम है। चलो भाई ये ज्ञान की बात है, आपको जानना जरूरी थी। एक्सबीआर में लिखा आपने एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, ऐसे एमसीक्यू में एक बार सवाल पूछा था आईसीए ने, एक्सबीआर का लॉन्ग फॉर्म पूछो 1 मार्क के लिए, वो बता रहा था मैं पहले अटेम्प्ट में पूछा था, बस बाद में उनको समझ गया ये तो लॉलीपॉप है, सब बच्चे ठोकरे इसको, पहले एक्सबीआर का लॉन्ग फॉर्म पूछेंगे। अरे मस्त बच्चे ने, मतलब ऐसा लग रहा सीपीटी का एग्जाम दे रहा, तो उनको बाद में समझाया, थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा। तो आप बताओ एक्सबीआर का मतलब क्या है, एक्सबीआर किसकी लैंग्वेज है, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस रिपोर्टिंग, ये हमारी बोलने की लैंग्वेज है क्या, नहीं, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस रिपोर्टिंग फुल स्टॉप, इट इज द वे, इट इज द लैंग्वेज used to submit, this is the language used to submit what, financial statement to the stakeholder। स्टेकहोल्डर्स कौन कौन से, किसको किसको देते हैं हम लोग एक्सबीआर में, एग्जांपल जैसे कि बैंकर्स है तो बैंक आपसे बोलेंगे एक्सबीआर में चाहिए, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, आरओसी, सेबी, एक्सेट्रा। कोई सेक्शन इसके लिए एप्लीकेबल है जो कहता है आईओसी फॉर्म है, आईओसी बोल रहा एओसी फॉर्म है, एओसी फोर नाम का फॉर्म है जो लिस्टेड कंपनी है या जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है या जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर है, उन सभी को एक्सबीआरएल फॉर्मेट में ही, यानी कि कहने का मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज को अपना डेटा जब भी आरओसी को देना है एज पर सेक्शन 137 मीटिंग होने के 30 दिन के अंदर किस में सबमिट करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा। आप एक कंपनी अलग अपने वाले सॉफ्टवेयर में सबमिट कर रही है, दूसरी कंपनी अलग इसमें करेगी, तीसरी कंपनी, तो आरओसी को कंफ्यूजन होगा, कंपैरिजन कैसे होगा, ना कि सिर्फ आरओसी की बात है, एक इन्वेस्टर 3 कंपनी को कंपैरिजन कर रहा है, तो कंपैरिजन में एक ग्राउंड आना चाहिए, तब जाके कंपैरिजन होगा, तब जाके इन्वेस्टमेंट करते आएगा उसको। लिखो एज पर सेक्शन नंबर 137, एक दो चिट्ठियां लगेगी, एक्सबीएल के ऊपर पूरा ज्ञान लिखेंगे हम लोग, आप आराम से लेट लेट के लिखो, ये पूरा पेज हम लोग कवर करेंगे इसमें। बोतल नहीं, नेट चालू हो गया। एज पर सेक्शन 137 बोलो क्या, 137 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इट इज मैंडेटरी फॉर किसके लिए, फॉर लिस्टेड कंपनी, यानी कि जितने लिस्टेड कंपनी 5,500-6,000 इंडिया में सबको देना ही है, इट इज मैंडेटरी फॉर listed companies number 2 listed ho gaya, number 2 kaun sa, unlisted, for unlisted company listed ko to karna hi hai, for unlisted company having turnover, अब जो अनलिस्टेड में टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर, टर्नओवर अबव 100 करोड़
और हाँ, अगर टर्नओवर नहीं तो फिर और पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन व्हाट, पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन 10 करोड़ रिक्वायर्ड टू सबमिट एओसी 4 मीटिंग होने के 30 दिन बाद सबमिट करना पड़ता है ना, एओसी 4 इन विच फॉर्मेट, इन XBRL। पर ये कंपनी सेट का तो ईएस में क्यों पढ़ा रहे हमको, तो ये लॉ है ना, हम लोग तो ईएस पढ़ रहे। अरे लॉ वाले ने बोल के छोड़ दिया, पर उसको लॉ को मदद करने लिए यही तो आएगा ना सामने, नहीं समझे? मतलब उधर बोला XBRL में कर दो, पर XBRL को जानना है तो आपको ईएस पढ़ना पड़ेगा। अब बताओ क्या होता है XBRL कैसी लैंग्वेज, हम अपना टैली में डेटा मेंटेन करेंगे पर टैली में सबमिट नहीं कर पाएंगे, हम टैली का डेटा किसी CSCA के पास देंगे, वो हमारा टैली का डेटा वो XBRL के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जिसमें टैक्सोनॉमी है। यानी टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि उसमें एक सन्ड्री डेटर, तो सन्ड्री डेटर बोला तो सबको सन्ड्री डेटर लिखना पड़ेगा, तो कोई उसको अकाउंट रिसीवेबल नहीं लिख पाएगा, कोई उसको SD नहीं लिख पाएगा, नहीं तो कंपैरिजन नहीं होगा। यानी कि सबके वर्ड्स सेम होंगे, कॉमन होना चाहिए। यानी कि सब WDV कर रहे हैं तो सब WDV करेंगे। यानी कि जो फॉर्म जो उसमें रूल्स दिखे बोलो ना, इट विल बी एप्लीकेबल टू एवरीवन। तो उसके से क्या होगा, अगर मैं कल्चर के किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मान लो दीदी सिकोया, वो हमने देखा था ना ओयो बैंक के केस, ओयो अरे ओयो जी होटल वाला ओयो, ओयो रूम्स, ओयो रूम्स के केस में क्या देखा हमने कि अगर इन्होंने इतने लोगों ने इंडिया के बाहर के ओके इंडिया में पैसे लगाए, सॉफ्ट बैंक इंडिया का बाहर का, जापान का है, वो दीदी चाइना की है, वो सिकोया USA का है, आप सोचो इन्होंने पैसे लगाने से पहले कितना कुछ सोचा होगा, तो फिर उन्होंने कैसे इन्वेस्ट किया होगा, तो उन्होंने ओयो का बैलेंस शीट मंगवाया होगा। अगर ओयो अपना टैली का बैलेंस शीट देता बोलो है, तो उनको समझता ही नहीं, तो फिर क्या हुआ? तो वो बोल रहा है अगर तुमको दुनिया में इन्वेस्टमेंट चाहिए लोगों से, इंडिया के बाहर के लोगों से, तो आपको उनकी लैंग्वेज में देना पड़ेगा और उनकी करेंसी में देना पड़ेगा। तो हम लोग टैली का डेटा नहीं देंगे, विल कन्वर्ट द डेटा इनटू XBRL, और XBRL का फॉर्मेट देने के बाद में वो लोग अपनी भाषा के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, वो जैपनीज में, चाइनीज में, इंग्लिश में, अपने करेंसी में, यानी कि वो डॉलर में, यूरो में, जैसा चाहे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ XBRL, मतलब वो अपने अपने हिसाब से लोग उसको मोल्ड कर सकते, समझ में आया? और कंपैरिजन करना, अगर मान लो मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे TCS, इंफोसिस और विप्रो में पैसे लगाना, तीनों में से एक, तो मैं किस में लगाऊंगा? मैं उसी में पैसे लगाऊंगा, किसी में? तो पर वो कंपैरिजन मैं सोचूंगा, चलो EPS सबसे ज्यादा होगा, पर EPS निकालने का तरीका सबका सेम ही होना चाहिए ना, कोई अलग तरीके से EPS निकालेगा, कोई अलग तरीके से निकालेगा, तो सब अपना EPS ज्यादा बढ़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो मेरा तो डिसीजन गलत हो जाएगा ना। तो सब लोगों को क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू फॉलो द कॉमन स्टैंडर्ड, तो उनका EPS सबका सेम ग्राउंड पर निकलेगा, तो कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा। आर यू अंडरस्टैंड? ये पूरा सार है उसका। तो जब भी XBRL कॉन्सेप्ट है ना, आपको ये सब पूरा ज्ञान गणित समझना पहले, नॉट ओनली फ्रॉम द सेक्शन नंबर 137 पॉइंट ऑफ व्यू, पर हमने ओयो रूम्स का एग्जाम्पल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, या एज एन इन्वेस्टर मैं जब इन्वेस्ट करता हूं, सोचो सेबी को क्यों अच्छा है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्यों अच्छा है? अब सेबी का कंट्रोल लिस्टेड कंपनी पे, अब वो सेबी कैसे करता ना, इंडस्ट्री वाइज कंपेयर करता, इंडस्ट्री समझता है, फार्मा इंडस्ट्री, अपने फिल्म पढ़ते ना, IT कंपनीज, समझ में आ रहा मैं क्या हो रहा, एजुकेशनल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। तो ऐसे जैसे कि अगर मैं सेबी क्या करता है, सेबी को कंट्रोल करना है, तो सेबी ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्फोसिस पे कंट्रोल आएगा, वो इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL, L&T इन्फोटेक, महिंद्रा इन्फोटेक, ये जो तो ITC का इन्फोटेक, ये सबका लिए वो क्या करता, अभी सबको क्या करेगा, सबको बजाने का ना, तो सबको कंपेरिजन करेगा, तो देखेंगे ना इसमें से कौन डिफॉल्टर लग रहा है ज्यादा, पर उनमें से कौन अच्छा और कौन खराब है जानने के लिए सबका कंपेरिजन करते हैं ना। सेबी क्या करता है, एक एक को नहीं बजाता, तुम समझो मेरी बात को, सेबी को 10,000 कंपनियां है जो कंट्रोल करना है, तो ऐसा नहीं कि 10,000 कंपनी एक एक को छुट्टा छुट्टा नहीं देखेगा, वो क्या करता है कि इंडस्ट्री वाइज निकालता है, समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ये कुछ प्रॉब्लम है किधर, टेलीग्राम में कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, बच्चों को दिख रहा है ना, सही चल रहा है ना? ओके, तो मैं क्या बोला आपको, समझा क्या है गाइस? कम ऑन,
सेबी वॉन्ट्स टू हैव अ कॉमन ग्राउंड, कॉमन, सो दैट सेबी कैन कंपेयर. जैसे एग्जाम्पल, ये इतना ईपीएस दे रहा है और वो उतना ईपीएस दे रहा है, तो सेबी बोलेगा तेरा ईपीएस इतना कम कैसे है बे, तू क्या कर रहा है सारा, लोगों का पैसा लेके बैठा तू इतना. चलो बैंक को कंपेयर करना है, HDFC, SBI, हाँ, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, इन सबको कंपेयर, तो सबने अगर कॉमन ग्राउंड फॉलो किया होगा तो सेबी बोलेगा यार ICICI का ये इतना धंधे में इतना प्रॉफिट आ रहा और तू HDFC इतना बड़ा होके है, तेरा कुछ आ रहा नहीं. क्योंकि अगर मान लो इनका धंधा कम हुआ तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर को कम डिविडेंड मिलता, तो सेबी इज देयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ किसका. तो इसीलिए लिखा है, जब हम लोग बात करते हैं ना कि इसका उपयोग किसको होता है, देखो यहां पे लिखा है रेगुलेटर को इसका फायदा होता है. रेगुलेटर कौन है? तो सेबी को अगर बजाना है तो सेबी बोलेगा देख देखो देख ICICI देखो तू देख. देखो कभी भी घर वालों को बच्चों को बजाना ना, वो क्या करते आपको नहीं बजाते, वो दूसरा का कंपैरिजन लेके बजाते आपको. देखो शर्मा जी का लड़का और तू ऐसे ही रह जा बस, देखो कहां गया. और कभी कभी घर वाले स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं तुम्हारी बजाते नहीं, मत दूसरों की तारीफ करते. बहुत बहुत होनहार बच्चा है उनका. नहीं नहीं इनडायरेक्टली, मतलब ऐसा चुपा चुपा को ना ऐसा अंदर डाल के ऐसा घुमा देंगे उसको. नहीं अंदर नहीं डालेंगे, अंदर डाल के ऐसा घुमा देंगे. वो आपको नहीं बोलेंगे देख नाम कमाया बच्चे ने, क्या बच्चा निकला. आपको नहीं बोलेंगे, तेरा नहीं बोल रहा हूं उनका देख. और ऐसा चुभाएंगे ना आपको. ऐसा है ये सेबी का काम है, ऐसा है तू मत सुधर पर देखो. दिस इज द वे इट इज. सो आपको समझा होगा तो प्लीज लिखेंगे आप. देखो सारे बच्चे वर्चुअल के भी बोल रहे हैं कि सर ऐसा हमारे साथ भी होता है, हर घर में होता है बेटा. ये माँ बाप का है नया है, बहुत भारी फंडा है ये जैसे माँ बाप के समय एक बहुत बड़ा हथियार होता है, आपकी बजाने का नहीं, दूसरों का एग्जाम्पल दे देंगे आपको, ऐसा निचोड़ लेंगे ना, आपके पैरों के नीचे की जमीन हिला देंगे. चलो भाई क्या लिखेंगे आप, लिखो आपने लॉ के हिसाब से लिखा, लिखो इन द एग्जाम्पल ऑफ ओयो रूम्स. In the example of OYO rooms, we have understood investors across the globe bolo bhai across the globe like SoftBank, Didi from China. दीदी को नाम बोला तो आवली हो जाएगी. सिकोया बहुत बड़ा इन्वेस्टर है वर्ल्ड का, बहुत बड़ा. कभी भी देखना सिकोया का पैसा रहेगा किसी भी में, इंडिया में बहुत पैसा लगा सिकोया ने. कभी सर्च करना विकिपीडिया पे टाइम मिला तो. सिकोया हैज इन्वेस्टेड इन किस में, इन ओयो रूम्स. ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है इन ओयो रूम्स. But before they invest, क्या होता बताओ? They need to understand the financial statement of OYO rooms. They need to understand financial statement of OYO rooms. They need to understand the financial statement of OYO rooms. है ना? Otherwise, अगर मान लो समझा नहीं तो they will not be able to invest. उनको अगर balance sheet समझ ही नहीं आए तो कैसे invest करेंगे? They will not be able to invest. That's why. With the help of XBRL format, अब तो क्या कर पाएंगे वो लोग? With the help of XBRL format, अरे बोलो भाई, they can mold, comma convert, एक दो चिट्ठियां लगेगी और financial statement as per
एज फॉर व्हाट? एज फॉर देयर लैंग्वेज, कॉमा देयर करेंसीज. मोल्ड मतलब चेंज करना है ना, मोल्ड कन्वर्ट एज पर देयर लैंग्वेज एंड करेंसी. बराबर है? लिखो नेक्स्ट, उसमें क्या लिखना है हमें, जो मैं बोल रहा हूं लिखो ना. सपोज वी आर एन इन्वेस्टर, सपोज वी आर एन इन्वेस्टर, हम इन्वेस्टर है एंड वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन, वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन, इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द आई टी कंपनी, एनी ऑफ द आई टी कंपनी. आई टी समझता है? लाइक इंफोसिस, विप्रो, टी सी एस, एच सी एल, एच सी एल बहुत बड़ा कंपनी है अभी, एल एन टी इन्फोटेक, टेक महिंद्रा. सुना है टेक महिंद्रा, जिसने सत्यम को एक्वायर किया था, टेक महिंद्रा एक्सेट्रा. अभी सारे आईटी कंपनीज है. अब बताओ क्या करना पड़ेगा? वी कैन नॉट कंपेयर देम, वी कैन नॉट कंपेयर देम. बोलो कब? इफ दे सबमिट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, their financial statement in their own format, in their own format. That is why ROC has made it compulsory to follow what? Has made it compulsory. Made it compulsory to follow किसको बोलो? To follow XBRL. चिट्ठियाँ लगते रहेगी, लगाते रहो बस. XBRL format. So that what? क्या होगा उससे? So that investors, SEBI, ROC can what? Compare. Because कैसे compare कर पाएंगे आप? Because they would be following what? The same terminology, same format, same methodology. Because they would be following what? Come on. Same format, सेम टर्मिनोलॉजी. यानी कि इसको एस डी बोलेंगे तो एस डी बोलेंगे, तो सब एस डी बोलने लग जाएंगे. सेम टर्मिनोलॉजी, सेम फॉर्मेट एक्सेट्रा. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फॉर डेटर्स, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसे तो सबके लिए उन्होंने टर्मिनोलॉजी बनाई. इसका नाम वही होना चाहिए, उसका नाम वही होना चाहिए. बोलो फॉर डेटर्स, we can't use SD, sundry debtor, comma debt, comma debtors, comma trade receivables. We can use only account receivable. ये सारे शब्दों का मतलब एक ही, पर वो क्या हो रहा है, तुम सब भूल जाओ. तुम्हारे बुक में डेटर है तो डेटर हटाओ, अकाउंट रिसिवेबल. तुम्हारे बुक में SD लिखा है वो भूल जाओ, क्या लिखो? अकाउंट रिसिवेबल. तो सबको किसमें करना पड़ेगा? तो अभी इन्फोसिस में भी क्या दिखेगा और TCS में भी क्या दिखेगा, ताकि हम लोग कंपेयर एकदम बैलेंस शीट पूरा कट टू कट समझेगा क्या होगा. अब पूरा बैलेंस शीट एक दूसरे के साथ में आमने सामने मालूम क्या, सुनो ना कैसा बैलेंस शीट बनेगा मालूम क्या. असेट साइड, असेट साइड की आइटम, इधर इंफोसिस, इधर TCS. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? रुक जाए इधर एक मिनट. अरे भाई समझा क्या आपको मैं क्या बोल रहा? एवरीबडी अंडरस्टूड?
उसमें क्या लिखा, हु यूजेस इट, एक बार 6 पॉइंट देखो जरा, एक बार अच्छे से बताओ कौन से लोग यूज करते हैं। तो रेगुलेटर के सामने लिखो सेबी, और कंपनीज कौन सी यूज करती है लिखो, कौन से कंपनी के लिए एप्लीकेबल हो। अरे अभी तो बोलो ना रे, लिस्टेड और वो सब। रेगुलेटर के पास लिखो सेबी, और कंपनीज के पास में अपने मन से लिखो, 3 कंपनी नाम बोला था मैंने, एक तो लिस्टेड, और जगह नहीं तो चिट्ठिया लगाओ, मरमर मत करो, चिट्ठिया बचा के कहीं ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग, चिंदीगिरी मत करो यार। क्या लिखा आपने, लिस्टेड कॉमा अनलिस्टेड में बोलो रे, अनलिस्टेड कंपनी हैविंग टर्नओवर, और कौन सा कंपनीज में 100 करोड़ टर्नओवर के ऊपर, या पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर, गवर्नमेंट्स मतलब कौन रहे, आरओसी, और डेटा प्रोवाइडर्स कौन, मनी कंट्रोल डॉट कॉम, स्क्रीनर, ये दोनों वेबसाइट पे जो डेटा आएगा। एनालिस्ट इन्वेस्टर लिखो, दीदी का नाम, दीदी चाइनीज दीदी, उसने सुन लिया ना चाइनीज दीदी, अगले बार से इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करती हो, सिकोया। सिकोया, सॉफ्ट बैंक, समझ गया ना, इन्वेस्टर को क्यों जरूरत है, बिकॉज इन्वेस्टर को क्या करना पड़ेगा। अच्छा मान लो इन्वेस्टर को अगर कंपैरिजन करना है, इसमें लगाओ कि उसमें लगाओ कि उसमें लगाओ, तो उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि सबका फॉर्मेट सेम होगा तो कंपैरिजन कर पाएगा। तीन कंपनीज है जो बैंक्स है, और तीनों बैंक में से उसको एक बैंक में लगाना है, किसको, दीदी को, तो दीदी क्या बोलेंगे, तीनों बैंक का कंपैरिजन लाओ मेरे साथ, तो ऐसा। और अकाउंटेंट्स क्यों, अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो क्यों, और उसे क्लाइंट बोलेगा ना, क्या बोलेगा क्लाइंट, अरे क्लाइंट क्या बोलेगा उसको, भैया ये मेरे को करना है, 137 एप्लीकेबल है मेरे को, नहीं करूंगा तो फाइन लगा देंगे मेरे को, तो क्या होगा फिर, तो इट विल बिकम कंपलसरी, मतलब उसको कंपलसरी नहीं, खुद को, क्लाइंट के बिहाफ में करेगा ना, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। अकाउंटेंट्स क्या करेगा, ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट बनाएगा। उसके बाद में आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स नजर आएंगे, वहां पे लिख दो DSLR, ओके तो क्या DSLR में बोलो, डी फॉर व्हाट, डेफिनेशन, एस से व्हाट, कम ऑन गाइस, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, एल फॉर लैंग्वेज, एंड आर फॉर व्हाट, रूल्स, 4 पॉइंट याद करो पहले, और क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा। उसके पहले वाला क्वेश्चन था कि XBRL का यूज कौन करता है, वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ सकते, क्या पूछ सकते, मैं आपको बताता हूं XBRL में, XBRL को कौन यूज करते हैं, जो इसके पहले क्वेश्चन हुआ, XBRL के फीचर्स कौन से हैं, DSLR, और XBRL ये कॉन्सेप्ट है क्या,
ये व्हाट इज एक्स बी आर एल, व्हाट ये अपन ने जो पहले लिखा ना ज्ञान गणित, वो पूरा एक क्वेश्चन है, क्या एक्स बी आर एल, एक्स बी आर एल को यूज कौन करता है, एक्स बी आर एल के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, ये तीन प्रमुख क्वेश्चन इस चैप्टर कॉन्सेप्ट से आ सकते हैं। तो क्या है आपने तो पूरा लिख दिया, फिर आपने कौन यूज करता है बताओ एक बार, कौन यूज करता है, रेगुलेटर यानी कि सेबी जैसे लोग, कंपनीज है, गवर्नमेंट यानी कि आरओसी, इन्वेस्टर यूज करता है, अकाउंटेंट यूज करता है, एंड डेटा प्रोवाइडर्स। या ओके, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एक्सबीएल में आपने डीएस वाला लिखा, सबसे पहले पॉइंट यहां पे डी से डेफिनेशन, ये क्या मतलब है क्लियर डेफिनेशन, ये अकाउंट रिसीवेबल तो अकाउंट रिसीवेबल डेफिनेशन उनकी, वो क्लियरली डिफाइन किया, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। याद है आपको मैंने इसके लिए आपको कैसे पढ़ा था, इधर देखो आपको देखना आपके बुक में कैसा लिखा था, देखो यहां पे लिखा था क्या लिखा था, एक्सबीएल अलाउज द क्रिएशन ऑफ रीयूजेबल यानी कि अकाउंट रिसीवेबल को रीयूज करेंगे बार बार, कॉल्ड टैक्सोनॉमी, जिसको क्या बोलते हैं टैक्सोनॉमी, दैट कैप्चर्स द मीनिंग कंटेंट इन ऑल द रिपोर्टिंग टर्म्स यूज्ड इन द बिजनेस रिपोर्ट एज वेल एज रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द टर्म्स। ये भी ठीक है, टैक्सोनॉमीज आर डेवलप्ड बाय द रेगुलेटर। अच्छा, उसका नाम अकाउंट रिसीवेबल किसने रखा, ये टैक्स, ये जो लैंग्वेज है एक कंट्री की नहीं, पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े लोगों ने दिमाग लगा के बनाया, तो सबने अपने थॉट्स डाले, रेगुलेटर ने बोला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखा, गवर्नमेंट को पूछा, सबने मिलकर बोला इसका नाम अकाउंट रिसीवेबल रख दो। एक्सबीएल डज नॉट लिमिट व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन डिफाइंड, इट्स अ लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड एंड एक्सटेंडेड एज व्हाट नीडेड। ठीक है, और यहां पे लिखा है अदर ग्रुप्स दैट नीड टू क्लियरली डिफाइन द इन्फॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी रिपोर्टेड अपॉन, यानी कि आपको क्या देखना है वही उसका नाम रख देंगे। नाम कौन रखेगा, ये एक्सबीएल एक कंसोर्टियम है, किसी के एक के बाप का नहीं है, ये वर्ल्ड के बड़े बड़े लोगों ने मिलकर उसका दिमाग लगा के बुद्धि लगा के सोचा इसका नाम ये होना चाहिए तो दुनिया में सबको समझ में आएगा, ये सिर्फ भारत की लैंग्वेज नहीं है, समझ गए। तो लिखो वहां पे, ये लाइन अपने को लिखना है, टैक्सोनॉमीज आर डेवलप्ड बाय, उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं, आप घबराना मत एकदम नाम पढ़ के, ये जो बोलते हैं ना हम लोग टैक्सोनॉमी, यानी कि उसको वो शब्द जो है ना अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल इज टैक्सोनॉमी। मैं आपको टैक्सोनॉमी का मतलब बताऊं क्या, कहीं आप एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन में ना आ जाए। इसका नाम पढ़ो पहले, टैक्सोनॉमी, एग्जामिनेशन में सवाल पूछ सकते हैं, टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं। इधर देखो, एक्सबीएल के अंदर टैक्सोनॉमी, गूगल क्या कह रहा है, इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल और बिजनेस रिपोर्टिंग वोकैबुलरी, समझा वोकैबुलरी, तो उनके हिसाब से वोकैबुलरी में बीआर वगैरह कुछ है ही नहीं ना, वो एसडी है, वो बोल रहा है इसका नाम एआर है, तो बाकी कुछ बोलो मत, हम मेरे को एआर समझ में आता बस। फॉर अ गिवन ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या, एसडी, डेटर, रिसीवेबल, डेट, सबका मिला के उन्होंने बोला इस ज्यूरिसडिक्शन का नाम आज कल में एआर होगा। इंपार्टिंग मीनिंग द कंसेप्ट विच डिस्क्राइब्स द फैक्ट्स बीइंग रिपोर्टेड, कौन सी रिपोर्ट, आपको डेटर्स के बारे में रिपोर्ट करना ना, वो हटा दो, उसका नाम एआर लिखना। एंड प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क विद इन विच, क्या लिख रहा है, प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क विद इन विच रिपोर्ट्स आर स्ट्रक्चर्ड, यानी कि आज के बाद में किसी को भी रिपोर्ट करना है तो यही शब्द। अब मैं तो डेटर्स का एग्जाम्पल लेता हूं, पर अभी और भी ऐसे हर चीज का एग्जाम्पल है क्या, अभी कोई कैश को कैश बोलता, कोई फंड बोलता, कोई मनी बोलता, अब कोई बोल रहा कैश है, कोई बोल रहा मनी हैंड, हैंड बोल रहा, बोल रहा कैश इन बोलता, कोई बोल रहा रोकड़ा इन हैंड, तो कोई बोलेगा कैश एंड बैंक, तो आप ऐसा भलते भलते टर्म्स मत डालो। आप कुछ लोग कैश एंड बैंक को एक साथ लिख दे रहे और कुछ लोग कैश अलग लिख रहे, बैंक अलग लिख रहे, तो फिर वो मिसमैच हो जाएगा ना भाई। अगर उसने कैश अलग लिखा है बैंक, तो आप भी वैसा कैश अलग लिखो, बैंक अलग लिखो, अगर वो जैसा बोल रहा है, तो वो क्या बोल रहा है, प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क विद इन विच रिपोर्ट्स आर स्ट्रक्चर्ड, यानी कि आपका जो रिपोर्ट है वो इसी तरीके से ही रिपोर्ट होना। तो मैं चाहता हूं सभी लोगों से ये टैक्सोनॉमी का मतलब आप लिखे, क्योंकि एग्जामिनेशन पूछेंगे दो मार्क के लिए, टैक्सोनॉमी होता क्या,
मुझे शायद से मैं आपको एग्जाम्पल से समझा पा रहा हूं, पर ये इंग्लिश थोड़ी सी आपको यूज करना पड़े, बिकॉज को टैक्सोनॉमी को इंग्लिश में लिखना थोड़ा सा मुश्किल जा रहा। मैं टैक्सोनॉमी बता पा रहा आपको, पर आप समझो उनकी भाषा क्या है, वो क्या बोल रहा है, ये कौन से शब्द इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी है, ये क्या है, वोकैबुलरी है फॉर अ गिवन ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि इतने सामूहिक शब्द का वो एक कॉमन शब्द है, ये 10-20 शब्द का मिला के अब वो हटा दो इसको यही बोलना, यानी कि वो वोकैबुलरी फॉर द गिवन ज्यूरिसडिक्शन है। और बोल रहा है कि कंसेप्ट व्हिच डिस्क्राइब द फैक्ट्स बीइंग रिपोर्टेड, क्या लिखा, फैक्ट्स बीइंग रिपोर्टेड एंड प्रोवाइडिंग, क्या लिखा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क विद इन विच रिपोर्ट आर स्ट्रक्चर्ड, यानी कि आपका रिपोर्ट इसी स्ट्रक्चर में इसी ढंग से रिपोर्ट होना, ये ऐसी वोकैबुलरी है, यानी कि ये ऐसी वोकैबुलरी है कुछ ज्यूरिसडिक्शन के लिए, जब भी आप रिपोर्ट करोगे तो ऐसे करना था कि आपका रिपोर्ट बहुत स्ट्रक्चर्ड लगे। हे गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड, तो आप क्या मैं चाहता हूं, और वहां पे लिखा था ऊपर, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ, क्या लिखा, फाइनेंशियल और बिजनेस रिपोर्टिंग, यानी क्या वोकैबुलरी, अपनी अपन जो बात करें उसकी वोकैबुलरी नहीं है, तो क्या बोलना एग्जामिनेशन में, इट इज द वोकैबुलरी ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वोकैबुलरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर अ गिवन ज्यूरिसडिक्शन, वो ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या, डेटर के लिए अलग वोकैबुलरी होंगी, कैश एंड बैंक के लिए अलग वोकैबुलरी होंगी वैसे, और क्या लिखा है, विच, ये सब चीजें हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ये हटा दो, ये हटा, ये नहीं लिखेंगे, विच डिस्क्राइब द फैक्ट्स बीइंग रिपोर्टेड, ये भी नहीं लिखेंगे, ज्यूरिसडिक्शन के बाद में मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली कौन सी चीज आपको एग्जामिनेशन में लिखने से आपको मार्क्स मिलेंगे, ये इतना नहीं लिखेंगे, आप बोलो कैसे, क्या पढ़ेंगे, बोलो क्या, अरे एग्जामिनेशन में पूछा रहे इन्होंने 2 मार्क के लिए एक बार टैक्सोनॉमी, इसलिए मैं बता रहा आपको, ओके, और व्हाट इज टैक्सोनॉमी, असल आप बोलो टैक्सोनॉमी मालूम हो गया, लिखते नहीं आएंगे ना, यू कांट राइट ओनली एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड करो, आपको कुछ तो एक दो लाइन शब्दों में लिखना पड़ेंगे ना, तो क्या लिखना पड़ेगा, इट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस रिपोर्टिंग वोकैबुलरी फॉर गिवन ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क विद इन विच रिपोर्ट्स आर स्ट्रक्चर्ड, इतना लिख दोगे, जो मैंने हाईलाइट किया वो मत लिखना, लिखो चिट्ठी लगाओ और लिखो व्हाट इज टैक्सोनॉमी, ईच एंड एवरी सॉन्ग इन द वर्ल्ड दैट यू हियर इज मेड, Sparkle cleans everyday messes and okay. won't clean out your piggy bank. Holy. Main de bas jaane seene mein de chup jaane tujh bin main jaau to kahan tujhse hai mujhko paane yaadon ke wo nazraane एक जिन पे हक हो बस मेरा तेरी यादों में रहूं तेरे ख्वाबों में जगूं मुझे ढूंढे जब कोई तेरी आंखों में मिलूं जो भी सांसे मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं चाहे जो हो रास्ता से तेरे संग चलूं दिल वादा कर रहा है धड़कने मेरी सुन तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल मैं चुन तुझको मैं कर लूं हासिल लिखा आपने, हाँ ये है आपका जो क्वेश्चन चल रहा था, कहां पे था मैं, आपका जो एक्सबीएल के फीचर्स था ना इंपोर्टेंट फीचर्स, वहां पे आप लिख रहे थे क्लियर डेफिनेशन, लिखा गया आपने क्लियर डेफिनेशन, क्या लिखना है, अब मैं आपको जो बोल रहा हूं एग्जांपल लिख दो वहां पे, ये क्लियर डेफिनेशन लिख दो, एग्जांपल अकाउंट रिसीवेबल फॉर, बोलो भाई अकाउंट रिसीवेबल फॉर किसके लिए, एसडी कॉमा डेटर कॉमा बीआर
एक्सेट्रा. उसके बाद में क्या टेस्टेबल बिजनेस रूल्स होते हैं. रूल्स मालूम है क्या होते हैं? जैसे लिखो एग्जांपल, अगर आपने कोई फील्ड में गलत डाल दिया ना, जैसे नाम की फील्ड में आपने नंबर लिखा, आईसीआई एग्जांपल लिखो, लाइक आईसीआई एग्जामिनेशन फॉर्म. समझा क्या मैं क्या बोला? क्या एग्जामिनेशन फॉर्म आप कुछ गलत डालो उसमें लेता क्या? देखो तो मैंडेटरी फील्ड नहीं भरा तो रिजेक्ट कर देगा. आपने समझो आपके नेम में अगर मान लो डिजिट्स लिख दे तो रिजेक्ट कर देगा. अरे ऐसे के फॉर्म भरते ना आप, जब कुछ भी उसमें गलत, वो लेता ही नहीं गलत, वो बोलता कुछ तो है गड़बड़ है. आप मैंडेटरी फील्ड को छोड़ के वो बोलेंगे नहीं नहीं यू कैन नॉट सबमिट, ये कुछ तो गड़बड़ है. आपने पिन 5 डिलीट कर लिख दिया, बोलता नहीं नहीं ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है, नहीं जम रहा है. तो वो रूल्स आपको मतलब वो गलती होने ना दे है. समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कि आपने टैली से जब डेटा एक्सेल में डालना है ना, वो वही एक्सेप्ट करेगा जो सही है. आपने आधार नंबर कुछ गलत डाला तो उसके दिमाग में आधार नंबर, उसको पता है आधार नंबर के इतने डिजिट्स होते हैं. जब उसको लगेगा ना ये कुछ तो गड़बड़ है, कितने नंबर आधार में 12 होते क्या? 3 होते. अब आपने 15 डिजिट का लिख दिया, वो बोलेंगे ये कैसा आधार है? वो बोलेंगे नहीं कुछ तो भी है जो बराबर नहीं है. तो दैट्स द केस. अंडरस्टूड? हाँ. तो क्या लिखेंगे आप? लाइक ऐसे एग्जामिनेशन फॉर्म विच डज नॉट एक्सेप्ट एरर्स, लाइक बोलो 9 डिजिट मोबाइल नंबर. अब डालो एक्सेप्ट नहीं होगा. लिखो न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स इन द फील्ड ऑफ नेम, न्यूमेरिकल्स इन द फील्ड ऑफ नेम, numericals in the field of name. Comma, missing mandatory fields, missing mandatory field. Missing mandatory field समझता है? वो जो star mark वाले अगर नहीं दिया तो accept नहीं होगा. वैसे next तीसरा point कौन सा है? मल्टी लिंग्वेज मतलब क्या? लिखो रिपोर्ट्स कैन बी कन्वर्टेड, रिपोर्ट्स कैन बी कन्वर्टेड एज पर आर, एज पर यूजर्स रिक्वायरमेंट. रिपोर्ट्स कैन बी कन्वर्टेड एज पर द कन्वीनियंट लैंग्वेज ऑफ यूजर, एज पर द कन्वीनियंट लैंग्वेज ऑफ द यूजर. बराबर बोल रहा हूँ क्या? Yes, क्या वो जापनीज में चाइनीज में कन्वर्ट हो सकती क्या? हाँ हो गया. और स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट क्या होता है बताओ? कुछ याद आएगा आपको इसके बारे में? आपको ने बहुत सारे लोगों का लिस्ट बताया था कि देखो कितने लोग हैं जो सॉफ्टवेयर बेचते हैं. यानी एक्सबीएल बनाने को भी सॉफ्टवेयर लगता है, एक्सबीएल रीड करने को भी सॉफ्टवेयर लगता है. तो मैंने क्या बोला था? इसके बहुत सारे लोग, बोला था ना मैंने, ये देखो ये बोला था मैंने. अरे बोलो भाई मैंने क्या बोला था? क्या बोला था बोलो? ये देखो क्या है, बता दो स्क्रीन पे. देखो क्या लिखा था मैंने. इतने सारे वेंडर है तो जितने ज्यादा वेंडर होंगे उतनी सर्विसेज अच्छी मिलेगी ना. इतने सारे लोग जो धंधा करते हैं, जो सॉफ्टवेयर बेचेंगे, एमसीए प्रमाणित है लोग. लिखो मल्टीपल ऑथराइज्ड वेंडर्स आर अवेलेबल फॉर एक्सबीएल रिपोर्टिंग. मल्टीपल ऑथराइज्ड vendors, multiple authorized vendors are available for XBRL software. ठीक है, done, हो गया. एक्सबीएल खत्म हो गया अपना. अब बोलो कौन सा बचा है क्वेश्चन? क्या बचा है? लास्ट वाला क्वेश्चन बचा ना अभी. क्या एक ही बचा है? क्या बचा है?
डेटा एनालिटिक्स, अरे दोनों का डिफरेंस लिख दो पहले, इधर लिखो डेटा एनालिटिक्स उधर लिखो बीआई। डेटा एनालिटिक्स और बीआई का फर्क आपने उस दिन भी लिखा था, बताओ कौन सा पास्ट और प्रेजेंट डेटा को देखता है और कौन सा फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। इंटेलिजेंस आपको पास्ट और प्रेजेंट का डेटा दिखाएगा और एनालिटिक्स आपको फ्यूचर दिखाएगा। देखो आपने ऐसा एक डिफरेंस आपने लिखा भी था, सर वापस लिखेंगे। अरे क्या बात है, नेकी और पूछ पूछ दो बार लिखेंगे, तीन जितना लिखेंगे ना आप। एक बार मम्मी पापा को पूछना, पापा मम्मी को पूछेंगे आप, और पापा को पूछना पापा लिख लिख के पढ़ाई करूं क्या, पढ़ के पढ़ाई करूं सिर्फ रीडिंग करके। आप एक काम करना, जितने बुजुर्ग लोग घर पे उनसे पूछिए तो आपको क्या बोलेंगे, बेटा लिख लिख के देख। उसमें एक कहावत है, 100 बका 1 लिखा। 100 बका मतलब क्या है, तुम कितना भी बोल लो उसका कोई मतलब नहीं है, एक बार लिखने का महत्व ज्यादा है। यानी कि आपके लिखने के बाद में, आप पता है आप जब लिखते हो ना, आपके सिर्फ हाथ नहीं चलता, आपकी आंखें, आपका ब्रेन, माइंड सब एक साथ चलता है ना, तो उसका इफेक्ट ज्यादा। जब आप रीड करते हैं ना, हो सकता है सिर्फ आंखें चल रही हो, ब्रेन शांत बैठा है, आपका माइंड सोया है, तो दैट कैन बी यू कैन यू मे फॉरगेट। इसलिए हम लोग लिखते जब है ना तो अपने सारे सेंसेस काम करते हैं, इसलिए वो चीजें एग्जामिनेशन में याद आने की कभी भी, देखो जो चीज आप लिख लिख कर देखते हैं ना वो आपको याद रह जाती है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं, लिखने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब लिखो डेटा एनालिटिक्स वर्सेस व्हाट, वर्सेस बिजनेस इंटेलिजेंस। तुझे ढूंढे अब कोई, देखो ऐसा कुछ देखा था अपन ने। आप लिखो लुकिंग फॉरवर्ड एंड लुकिंग बैकवर्ड। कहां पे फॉरवर्ड है, एनालिटिक्स में आप पास्ट और प्रेजेंट डेटा को देखते हैं, पर आप फ्यूचर की बात करते हैं कि भाई पिछले 10 दिवाली में ये सेल हुआ था, आने वाले दिवाली को कितना सेल हुआ, ये कौन बताएगा, डेटा एनालिटिक्स। और बीआई क्या बताएगा, पास्ट में कितना, कौन सी दिवाली पे कितना सेल हुआ, इस दिवाली पे कितना सेल हुआ। लुकिंग बैकवर्ड एंड प्रेजेंट, उसको बैकवर्ड ही मत लिखो, एंड प्रेजेंट लिखो। इट आंसर्स व्हाट विल हैपन आंसर्स, ये जवाब देगा फ्यूचर में क्या होगा, कौन, एनालिटिक्स। इट विल आंसर द क्वेश्चन व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, क्या हुआ था पास्ट में। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट हैपेंड। मोस्टली स्ट्रक्चर्ड, मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड बताओ, कौन स्ट्रक्चर्ड है, ये क्या इंटेलिजेंस में कुछ दिमाग लाने। इंटेलिजेंस मालूम है आपको, उस दिन डैशबोर्ड दिखाया था मैंने, अरे क्या डैशबोर्ड नहीं, वो बड़े बड़े स्क्रीन पे दिख रहा था, ऐसे बार चार्ट ऐसे सब दिख रहा था, वो आपको पूरा स्क्रीन दिया, अपने बिजनेस के पूरे इतने केपीआई वो स्क्रीन पे आ रहे थे, तो उसमें उसमें कुछ नहीं है, उसमें ऐसा अनुमान कुछ नहीं कि फ्यूचर में, वो स्ट्रक्चर्ड की हुए बिकॉज उनको सोचना कुछ नहीं है, जो है सिर्फ प्रस्तुत करना है अच्छे ग्राफिकल फॉर्मेट में। आपको याद है डैशबोर्ड का एग्जांपल देता है, क्या डैशबोर्ड है, देखो ऐसा देखा था हमने। आप पहले लिख दो, इट इज स्ट्रक्चर्ड, इट इज अनस्ट्रक्चर्ड, कौन सा स्ट्रक्चर्ड है, बीआई। ए क्या बोल रहे थे, होला है क्या, स्ट्रक्चर्ड कौन सा है, तो होला है क्या। अरे भाई जो चीजें में कंफ्यूजन नहीं वो स्ट्रक्चर्ड है, बिजनेस इंटेलिजेंस में पास्ट और प्रेजेंट करते तो उसमें का अनुमान की जरूरत, वो स्ट्रक्चर है ना, उसमें कंफ्यूजन क्या होगा, एकदम जैसी बना के देना है अच्छी भाषा में। और डेटा एनालिटिक्स अनस्ट्रक्चर्ड क्यों है, क्योंकि अब हो सकता है वैसा हो भी रहा हो नहीं भी हो, कुछ भी आपने बोला अगले दिवाली हो इतना सेल होगा, कोविड आ गया बीच में तो लग गई तुम्हारी, यानी कि वो गलत भी हो सकता है, इसलिए लिखता हूं वो अनस्ट्रक्चर्ड है। बताओ इसमें आपको इट इन्वॉल्व्स जो मैं बोल रहा हूं, इट इन्वॉल्व्स प्रडिक्शंस, कहां पाएंगे प्रडिक्शन, डेटा एनालिटिक्स, इट इन्वॉल्व्स प्रडिक्शंस, डेटा माइनिंग, क्या माइनिंग, सलमान खान की ईद की मूवी लॉन्च करे कि नॉन ईद पे करे,
पर डेटा पास्ट और प्रेजेंट का यूज करेगा, पर अनुमान लगाएगा फ्यूचर का। डेटा माइनिंग का एग्जांपल याद है, ईद नॉन ईद मूवी, ईद वाली का देखेंगे कितना कलेक्शन है, जो ईद पे नहीं हो तो उसका देखेंगे, फिर देखेंगे कौन से इस पे ज्यादा चलती। ये कौन करेगा? एनालिटिक्स, कॉमर्स सिमुलेशन। ये सिमुलेशन समझता है क्या आपको? देखो सिमुलेशन किसको बोलते हैं, इमिटेशन ऑफ सिचुएशन। इमिटेशन समझ आ गया? कॉपी नहीं समझे? चलो मैं क्या करता हूं, इसको हिंदी में देखता हूं। सिमुलेशन मीनिंग इन हिंदी, सिमुलेशन का हिंदी मतलब सिमुलेशन लिखा बेटा, बेस्ट है। आगे क्या लिख रहा है? और अब बॉन और सॉन्ग पाखंड, क्या मतलब है इसका? कैसे मैं बोलूँ आपको? अरे डबल मीनिंग भी आ गया इसका। सिमुलेशन मुझे बता दे, सिमुलेशन मैं समझ पाता हूँ पर सिमुलेशन बोल नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट देखता हूँ मराठी में कुछ मिलता है। नकल, नकल समझता है? कॉपी, ढोंग, एक्टिंग, यानी आप इमेजिन कर रहे हो कि अगर पिछले साल जैसे 10 साल जैसे चलते गए तो अगले साल क्या हो सकता है। सिमुलेट करते हैं, जैसे माँ बाप सिमुलेट क्या करते हैं, फाउंडेशन में इतना पढ़ाई कर लिया और काश अगर ये इंटर में भी कर लेगा ना आग लगा देगा। सिमुलेट करना मतलब इमेजिनेशन करना कि अगर, तो प्रेडिक्शन कर रहे ना हम कि अगर मान लो पिछले दिवाली इतना, अगर मान लो ऐसा ही इंडिया का ग्रोथ रहा तो इस दिवाली में इंडिया में कितना दिवाली में धंधा बढ़ेगा। सिमुलेशन करना, या फिर 2020 में कोरोना था तो अपन दो सिमुलेशन करेंगे, अगर कोरोना हुआ तो क्या सेल होगा, नहीं हुआ तो क्या सेल होगा। समझा क्या? हम सिमुलेट कर रहे इमेजिनेशन, ऐसा हुआ तो क्या होगा वैसा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यार यार मैं अब और मेरे पास शब्द नहीं बचे, इतना ही मैं समझा पा रहा हूं। आगे बोलो भाई, अरे बोलो कम ऑन, कहां पे लिखा आपने सिमुलेशन? अब जरा लिखो, इट इन्वॉल्व्स डैशबोर्ड्स एंड केपीआई रिपोर्ट्स। केपीआई रिपोर्ट्स, केपीआई समझता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये देखो उसको बोलते केपीआई रिपोर्ट्स। आपको डैशबोर्ड दिखाया था ना उस दिन क्या? हाँ बताओ, ये देखो इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड इसको बोलते डैशबोर्ड, दिखा क्या? क्या दिख रहा है आपको? ये आपके बिजनेस के जितने भी केपीआई, केपीआई जैसे एग्जांपल मेरा केपीआई क्या है, मैं क्या करता हूँ कुछ 8-10 चीजें मुझे रोज मालूम होना जरूरी है। मेरा सेल्स कितना हुआ, मेरे ग्रीवांसेस कितने सॉल्व हुए, सोशल मीडिया के उसे कितना लीड्स आया, डिस्पैच में क्या पेंडिंग है, सीआरएम में क्या चलो, तो मेरे को कुछ चीजें नहीं कर रोज मेरे को, तो मैं किसको भीगने मांगता रोज, मुझे दे दो मुझे दे दो, वो मेरे स्क्रीन पे पूरी झलकती है। आर एबल टू अंडरस्टैंड? ये मेरा केपीआई है, तो केपीआई रिपोर्ट्स, ये समझा? की परफॉर्मेंस, की मतलब क्या? देखो मेरे बिजनेस में हजारों एक्टिविटी चलती, मुझे हजारों के बारे में सोचने, मुझे क्या करना रोज रोज क्या पूछूंगा मैं, कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो मेरे को रोज मालूम होना, उसको केपीआई बोलते, वो ऐसे स्क्रीन पे आ जाती है। और बताइए यूजर फ्रेंडली क्यों है? देखो ना कितना कितना इजीली दिखता है ये देखो कैसे, ये देखो कितना अच्छे से दिख रहा है पूरा बिजनेस आपको ऐसे समझ में आ रहा है यहाँ से। ये देखो पूरा ऐसा बिजनेस समझ में आ रहा है, एरिया वाइज समझता, सेल्स समझता, प्रोडक्शन समझता, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट, जो भी आपके जो वो भी आपने ये स्क्रीन अपने हिसाब से सजा सकते कि भाई मुझे ये चीज़ें दिख, क्योंकि मेरा डेवलपर रहेगा उसको भाई मेरे को ये लगता है ये चीज़ मेरे को रोज मालूम होना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो चीज आपको सामने स्क्रीन पे प्रस्तुत करेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा, प्रोडक्टिविटी कन्वीनियंस के हिसाब से लिखा, ये मंथ वाइज लिखा है ना,
ये क्या लिखा, जो भी उनको जो जो लगता है वो लिखा है, देखो ये प्रोडक्ट वाइज दिख दिया वैसा, इज इट ओके? ये क्या है? मेरा इतना एक सवाल है, चाहे बी आई हो चाहे डिजाइनर, क्या देते आपको, क्या देते, क्या है इंफॉर्मेशन, क्या देते? पिछले दिवाली में क्या हुआ, कोई बोलेगा अगली दिवाली में क्या आऊंगा, वॉट एवर, हाँ क्या देंगे आपको, कितना सेल हुआ, एरिया वाइज कितना सेल हुआ, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी कंप्लेंट्स आ रही है, वॉट एवर, जो भी आपको क्या मिलता है, अरे इतना टाइम नहीं है मुकेश अंबानी के पास में, रतन टाटा के पास में, कि लोगों से बात करें, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे वो आईटीसी के ओनर के उसमें 25 धंधे, तो 25 धंधे हो क्या, एक एक से बात करते बैठेगा, उसके उसमें केपीआई चाहिए, बड़ा स्क्रीन लगाते ऐसा, वो बड़ी बड़ी टीवी पे क्लिक क्लिक पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन को 5 मिनट में जिधर उधर, इलॉन मस्क के पास में इतना टाइम होगा क्या, कितनी कंपनियां चला रहा है वो, उसकी कंपनी देखी है तुमने, 4-5 अलग अलग कंपनी बड़ी बड़ी उसके पास में, तो उसको ऐसा चाहिए ना, वो अपने से खाली पॉकेट है, चलो बता रहे आओ रहे बताओ क्या चल रहा, इतना टाइम नहीं उसके पास में, वो तो नजर घुमाया तो उसको समझ जाना चाहिए क्या हो रहा है, समझ रहे, मैं आपकी और मेरी बातें नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी बिग शॉट पीपल, जिनको ये चाहिए केपीआई चाहिए, स्क्रीन पे दिखा खत्म, तो वो ऐसा अपने लिए बना कर लेंगे, बताओ उससे क्या फायदा होगा उनको, दे वुड बी गेटिंग इन्फॉर्मेशन सो दैट दे कैन व्हाट टेक डिसीजन, क्या अच्छा हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सेल्स कम हो रहा तो फिर डिसीजन लेंगे, ज्यादा हो रहा तो लेंगे, क्या हो रहा है कहां पे कम हो रहा है कहां पे ज्यादा हो रहा है, सेल्स वाले कैसा कर रहे, एक नजर घुमाया तो पूरा, जैसे आप देखो गाड़ी में जब आप बैठते हो ना तो ऐसा डैशबोर्ड को देखना नहीं पड़ता ऊपर, तब तक तो एक्सीडेंट हो जाएगा आपका, आपकी आंखें ऐसी भी, तब तक समझ आता पेट्रोल कितना स्पीड कितनी हवा कैसी, कभी फोर व्हीलर चलाते आप तो ऐसा रोक के ऐसा नहीं दिखते डैशबोर्ड, चलाते चलाते जैसे आंखें ऐसी भी गए तो तुरंत समझता है, समझता है झलक में, एवरीबॉडी तो लिखो क्या लिखेंगे आप, आपको याद है मैंने ऐसा कुछ लिखवाया था आपसे, भाई मेरा कॉन्सेप्ट पता रहा, मैं बहुत खुश हूं मेरा चैप्टर खत्म हो गया है, आपको पता नहीं कितनी खुशी हो रही, मैं तो बहुत खुश हूं, और मैंने मेरे स्टाइल में पढ़ा इस चैप्टर को, मुझे अभी कॉन्फिडेंस आ गया इस चैप्टर में, आपका पता नहीं आ गया ना आपको भी, ये बिजनेस क्या देते दोनों, पास्ट प्रेजेंट एंड व्हाट, मैं दोनों के बारे में लिख रहा हूं, क्या देते हैं इनकी, इनकी इंफॉर्मेशन, और फिर क्या होता है, किसको देते हैं इंफॉर्मेशन, और कितने कौन से फॉर्मेट में, इन व्हाट ग्राफिकल फॉर्मेट, बराबर है, अरे बोलो यार, किसको देते हैं, ताकि क्या ले सके, डिसीजन ले सके, मैनेजमेंट लेंगे तो वो क्या लेते हैं, अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, और क्या जाएंगे अच्छा डिसीजन लेके, वो कंपटीशन में एज मिलेगा, वो कस्टमर को बोलो ना, कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे, और बोलो उनकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएंगी, है ना, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उनका क्या बोलते हैं वो प्रॉफिट बढ़ेगा, उनकी वो कॉस्ट कम कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है आपके फायदे की, राइट, एवरीबॉडी गॉट इट, सो दिस इज द समरी चार्ट ऑफ बी आई एज वेल एज वॉट डेटा एनालिटिक्स, सो यू नीड टू राइट दिस, ओके,
कहीं खुद से जोड़ लूं मेरे जिस्म जा पे आ तेरी खुशबू ओढ़ लूं जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं चाहे जो हो रास्ते इधर हुआ. अरे समझा क्या भाई? अरे बोल दो ना. yes, sir. चलो ठीक है आगे बढ़ते है ना. चलो भाई कहां पे हूं मैं? अरे मेरा चैप्टर किधर गया? वो बंद हो गया क्या? चलो वहां पे आखिरी वाला क्वेश्चन पूछा जरा देखो क्या लिखा है. मालूम है क्या लिखा है? कि बिजनेस इंटेलिजेंस से क्या मिलता है आपको? अरे ऐसा कुछ लिखा ना, फायदे कुछ लिखे है. देखो जरा देख के बताओ आपको समझ में आ रहा है कि बी है के? वो रिपोर्ट से याद रखो जो ग्राफिकल रिपोर्ट से, उसको देख के इमेजिन करो बराबर लिखा है क्या होता है बताओ. आपका आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाएगा. अरे बोलो यार, सारी चीजें स्क्रीन पे दिख रही है आपको. आपके इंटरनल बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइज हो जाएंगे यानी कि अच्छी हो जाएगी. कैसे बताओ? नहीं नहीं, प्रोसेस अच्छी कैसी होगी? ऑप्टिमाइज यानी कि बेटर हो जाएगी. अगर सारी चीजें मुझे मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं इलॉन मस्क है तो बजाऊंगा ना अगर किसी ने कुछ गलत काम किया. और सबको पता है सर मेरी बजाने वाले हैं तो सब मजबूरी से अच्छा काम करेंगे. एफिशिएंसी क्यों बढ़ेगी? मैं इलॉन मस्क हूं और मेरे पास इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, तो 50 चीजों को मैं 50 बार फोन लगाऊंगा, लोगों से भीख मांगूंगा, ऐसा नहीं. मेरे स्क्रीन पे सब चीजें एक नो टाइम पे अवेलेबल होंगी, क्लिक पे. तो मेरी कम समय में कितना, मतलब मैं ये भी कम संभाल रहा हूं, मैं वो भी संभाल रहा हूं, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनी संभाल रहा हूं मैं, स्पेस उसके स्पेसएक्स का भी कंपनी संभाल रहा हूं मैं, हाँ टेस्ला संभाल रहा हूं, मतलब कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज को संभाल रहा हूं मैं. लोगों से एक एक ब्रांच मैनेज नहीं हो रही, मैं पूरे वर्ल्ड की बड़ी कंपनी को संभाल रहा हूं. तो एफिशिएंसी है ना. रेवेन्यूज कैसे बढ़ेंगे भाई? अगर मान लीजिए आपको लगा कि साउथ में आपका सेल नहीं हो रहा है, तो आप साउथ में बॉम्बार्डिंग करके मार्केटिंग करके न्यू एवेन्यूज, एवेन्यू समझता है, यानी ड्राइविंग न्यू रेवेन्यूज, यानी आपके इसमें ऐसे एवेन्यूज आएंगे जहां से रेवेन्यू आएंगे, यानी कि आपको समझ में आएगा कहां कहां पे मेरा सेल नहीं हो रहा है या कौन सा सेल्स पर्सनल सेल नहीं कर रहा. आप बजा बजा के सेल बढ़ाओगे. आपको कंपटीशन में एडवांस मिल कैसे? अगर इतनी सारी चीज आपको सही समय पर उपलब्ध होंगी तो ऑब्वियसली यू विल बी ऑलवेज एबल टू टेक व्हाट राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम. समझ में आ रहा है? तो बोले याद करना पड़ेगा. ये एग्जामिनेशन में डी को, डिसीजन मेकिंग को, ऑप्टिमाइज को, एफिशिएंसी को, रेवेन्यू को और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को अंडरलाइन करो आप. ऑप्टिमाइज डिसीजन विल हेल्प यू टू गेट द कॉम्पिटेटिव द एडवांटेज ऑफ एफिशिएंसी एंड रेवेन्यू. ठीक है, लिख दूं मैं. याद रखना है, एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीआई के फायदे बताओ. ऑप्टिमाइज डिसीजन मेकिंग विल गिव द एडवांटेज. दो चीज का एडवांटेज मिलेगा आपको. कौन सी? आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपका रेवेन्यू बढ़ेगा. तो अपने काम के वर्ड्स कौन से इसमें? ऑप्टिमाइज डिसीजन एडवांटेज एफिशिएंसी. लिखो जल्दी, याद करो. मुझे सारे पॉइंट याद चाहिए, सारे पॉइंट याद चाहिए आपसे. जल्दी से लिखो. कर रहा है धड़कने मेरी सुन.
तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन जिंदगी की शाख से लूं, कुछ हंसी पल मैं चुन तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन हाँ दिल के करी रह लो अभी कह आपके साथ में एक क्वेश्चन जो है, आप बताएंगे सबका मतलब क्या है। पहले तो आपका प्रोसेस ऑप्टिमाइज हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी हो जाएगी बहुत, आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। क्या टेक्निक सर? ऑप्टिमाइज डिसीजन मेकिंग विल हेल्प यू, विल गिव यू द एडवांटेज ऑफ एफिशिएंसी एंड रेवेन्यू। आपका अगर ऑप्टिमाइज अगर डिसीजन मेकिंग है तो उसके क्या फायदे होंगे? आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा और आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। हो गया, ये किसके फायदे हैं? बीआई के फायदे। इसी तरह से क्वेश्चन भी खत्म। एवरीबॉडी गॉट इट? हे गाइस, एंड हेंस दिस चैप्टर इज आल्सो ओवर। ये चैप्टर को जरा देख लीजिए, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जो हमने पढ़ा नहीं। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ओवर। अभी इस चैप्टर में कुछ भी बचा नहीं है, है ना। अब हम लोग पूरे चैप्टर को एक साथ रिवाइज करें एवरीबॉडी। क्या हम लोग पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करें एवरीबॉडी? है ना, पूरा रिवाइज कर पाएंगे आप फटाफट एकदम जोश में? अरे बोलो ना। यस सर। क्या हमने पूरी सारी चीज का एकदम समझ के चिट्ठियां लगा के सब कुछ कर लिया है? yes, अब वो समय आ चुका है क्या करने का? पूरा के पूरा चैप्टर ऐसा रिवाइज करेंगे ना, पर एक गाना सुनने के बाद। एक गाना बजाएंगे 2 मिनट का। आज हिमेश की याद आ गई मुझे। जरा गाना सुनो, ये प्राइम डे 26 से 27 जुलाई तक गेट ग्रेट डील्स, ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट एंड न्यू लॉन्चेस। इट्स आवर प्राइम डे, ग्रेट डील्स जो दिल भरे, ब्लॉकबस्टर्स ऑल द वे। वाह, एक जमाना था बस यही गाने चलते थे। ओए होए होए, मजा आ गया आज क्लास में। आवाज देखो आवाज। दीदार को तरसे अखियां, ना दिन गुजरे ना कटे रतियां। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा 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 जा, एक बार आ जा। ओके, आई होप आपको ये सारे गाने पसंद आते होंगे। मुझे फन लगते गाने सुनने में। Thank you.
So, ladies and gentlemen, please welcome one and only Urvashi Rautela. मेरे बिन सूनी है दिल की राहें, मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें, जो मिले बोले भर के बुआ है। सुनिए, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने, आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने। Guys, welcome back. So, आज जो भी हमारे हाथों से पाप हुआ है उसके लिए बोलो राधे राधे हरिओम, जपनाम जपनाम, बाबा की जय हो। और आज के बाद में जब भी कोई ऐसी चीज लगे आपको दिखे, आप जरूर आंखें बंद कर लेना। ओके तो प्लीज, पंकज बोल रहा है मैंने आंखें बंद करी दी अपनी, पंकज ने देखा ही नहीं। मैं देखो, मेरी कसम खा रहा है ऐसी चीजों को ना देखे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नाबालिग लोग भी हैं। पंकज कह रहा है मैं नाबालिग हूं, सूरज गुट्टे यहाँ तो पंकज बोल रहा है एक बार और लगाओ, मैंने देखा नहीं बोला राधे राधे हरिओम जपना बाबा लाएंगे क्रांति। ओके तो दोस्तों, ये जो भी है कभी भी है, देखो इंटरनेट का जमाना है, कभी भी आंखों के सामने कोई भी चीजें प्रकट हो सकती है तो आपने अपने आप को संभालना है। हर किसी का कंट्रोल अपने आप में ही होता है, ठीक है ना। तो कभी ऐसी चीजें आए तो गुट्टे और पंकज जरूर अपनी आंखें बंद करना, बिकॉज नाबालिग है। बाकी लोग अपनी उम्र का लिहाज रखें। चेक इट आउट गाइस। I'm
Hey guys, welcome back. So we're moving on chapter number 2 once again, guys. All the charts will be revised one more time in the next few minutes. दोस्तों जोरो शोरों के साथ में अपना ऑडियो ऑन करके आप चाहे तो इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो. सो दोस्तों इस चैप्टर को करेंगे फिर से एक बार रिवाइज. अब क्यों रिवाइज? बिकॉज अब हमें अब जो मजा आएगा ना, अब तक हमने मेहनत की है, अब उसका फल मिलने वाला. बिकॉज अब आपको फील होगा 20-25 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया. कैसे हुआ? क्योंकि जिस चैप्टर को हमने 10 दिन से पढ़ा है वो सिर्फ आधे घंटे में होने जा रहा है रिवाइज. गाइस वेलकम बैक. तो दोस्तों बताएंगे सबसे पहले फ्रंट एंड एंड बैक एंड में जो मेरे सामने कंप्यूटर्स का नाम क्या, फ्रंट एंड और जो क्लाउड है, कम ऑन गाइस एवरीबॉडी, इट्स अ बैक एंड. आपसे मेरा सवाल है डेटा का कहां स्टोर होता है बैक एंड में, क्लाउड क्या है बैक एंड है, कौन से जो चीजें जो यूजर फ्रेंडली यूजर को दिखाता है फ्रंट एंड, जो मेरे आंखों के सामने है जिससे मैं यूजर इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली, फ्रंट एंड यूजर इंटरेक्ट करता है इनडायरेक्टली बैक एंड. ओके दोस्तों आपसे अगला सवाल है, बताएंगे इंस्टॉल्ड और क्लाउड में क्या फर्क होता है. टैली इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्टॉल्ड और एसपीसी का सॉफ्ट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, कम ऑन गाइस. क्लाउड कहां पे डेटा विल बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवन द वर्ल्ड, इट्स कॉल्ड क्लाउड. इट विल नॉट बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवन द वर्ल्ड इज व्हाट इंस्टॉल. बताएंगे हर किसी के हार्ड डिस्क में उसको स्टोर करना पड़ेगा अलग अलग से इंस्टॉल, हर किसी के पास में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. क्लाउड आपको अगर अपडेट करना है एक ही जगह पर अपडेट करना पड़ेगा, क्लाउड आपको उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. क्लाउड आपसे एक सवाल है इंस्टॉल और क्लाउड में, आपसे एक सवाल है दोस्तों बताएंगे आपको डेटा हार्ड डिस्क में ही स्टोर होगा इंस्टॉल, उसको एक्सेस करने के लिए उस कंप्यूटर के पास ही जाना पड़ेगा इंस्टॉल. अगला सवाल इंटीग्रेटेड नॉन, अरे दोस्तों आपने कल डिफरेंसेस लिखे आपको याद आ रहा है कि नहीं? Yes, अरे आपको बोलना भी, आप मेरे पास कैसे देख रहे हो गए, कमॉन मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको जवाब भी देना, कमॉन गाइस. इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड, जब पहले इंटीग्रेटेड नहीं था दुनिया में, वी हैव ओनली नॉन इंटीग्रेटेड. यहां पे एवरी डिपार्टमेंट यूज्ड टू हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर लाइक फाइनेंस मार्केटिंग एचआर प्रोडक्शन इन्वेंटरी, हर किसी का सॉफ्टवेयर था अलग अलग अलग. आप आ गया दुनिया में सबका मालिक एक, सबका डेटाबेस एक, सबका एप्लीकेशन एक, ना दूसरा का ईआरपी जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड. बताओ बच्चों पहले जमाने में टॉप मैनेजमेंट वाज सपोज्ड टू एक्सेस डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर फॉर हर किसी डिपार्टमेंट की जानकारी उसको अलग अलग सॉफ्टवेयर में देखती थी, इससे बहुत टाइम कंजम्पशन था. और मोर ओवर दोस्तों एक डिपार्टमेंट अगर सेल्स ने सेल्स कर दिया, ना डिस्पैच को मालूम था, ना सीआरएम का, ना किसी को मालूम था. देर वाज, बताएंगे बच्चों दो दो कौन सी प्रॉब्लम है, किसकी? नॉन इंटीग्रेटेड के दो प्रॉब्लम होगा, नंबर वन मिसमैच ऑफ डेटा मिसमैच, और दूसरा मिसकम्युनिकेशन हो रहा था. इंटीग्रेटेड में सबका सॉफ्टवेयर, अभी हर किसी का सॉफ्टवेयर हुआ एक बार, सबको सब कुछ नहीं दिखाएंगे, उसको उतना ही दिखाएंगे. उसको कहते हैं आरबीसी रोल बेस. क्या पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस एक ही होगा? क्या टॉप मैनेजमेंट को सारी जानकारी एक ही जगह पे मिलेगी? क्या आप सेल्स ने सेल कर दिया बाकी डिस्पैच वालों को भी दिखेगा? अरे सीआरएम वाले को भी दिखेगा, कमान बोलो ना. अरे दोस्त एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्यों प्रियंका चोपड़ा सीएस करते करते एफआर पढ़ रही थी और डायरेक्ट टैक्स पढ़ रही थी? बोले ये क्यू फॉर व्हाट कमान, ईआरपी, ईआरपी के फायदे क्यू से व्हाट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है. हाँ क्यों प्रियंका, पीसीपी फॉर व्हाट कमान, आपको ईआरपी से जो डेटा मिलता है उससे प्लानिंग भी होती है और सी से आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है. क्यों प्रियंका चोपड़ा बोलो बच्चों, सी फॉर एक तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया और एक है आपका साइकिल टाइम, ऑर्डर दिया कि ऑर्डर मिला उसका साइकिल टाइम बहुत कम था. प्रियंका चोपड़ा सी एस फॉर बोलो कमॉन, आपका सप्लायर का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, फ्रिज वाला टाइम पे फ्रिज देगा. हाँ क्यों प्रियंका चोपड़ा सीएस करते करते कमॉन गाइस, टैक्स डीटी और एफआर, डीटी क्या, डी फॉर व्हाट कमॉन, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इंफॉर्मेशन सारी ईआरपी में मिल जाती है. टी फॉर व्हाट कमॉन, अरे टी टेक्नोलॉजी, ईआरपी के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते जैसे मोबाइल कंप्यूटर. अरे अपना दिमाग खोलो, कॉन्सेंट्रेट करो, अगले 20 मिनट में आप क्या देख रहे हो इधर, कमॉन एवरीबॉडी, अरे कमॉन बोलो, बोले डीटी और क्या बोलते एफआर, एफ फॉर व्हाट. अरे बच्चों ईआरपी में अगर कोई चीज आती है ना, कोई रेट अपडेट होना, सब जगह पे एक जगह पे अपडेट किया सबको मालूम चलता. आर फॉर व्हाट कमॉन गाइस, आपके रिसोर्सेस आइडल नहीं होंगे, जैसे ऑर्डर आए ना डिस्पैच को भी मालूम चल जाता, लॉजिस्टिक को भी मालूम होता है, टेक्निकल आपस में बातचीत करने में टाइम पास नहीं. बोला आगे सवाल, ये आखिरी वाला क्वेश्चन डिलीट हो चुका था. कमॉन गाइस बताएंगे दुनिया में दो टाइप के डेटा है, मास्टर एंड व्हाट कमॉन, नॉन मास्टर. बताओ किसका डेटा रिलेटिवली परमानेंट होगा, कौन सा पहले बनेगा, अरे कौन सा बाद में बनता, एवरी टाइम इट विल चेंज. नॉन मास्टर हर, ये रिलेटिवली परमानेंट नहीं है, नॉन मास्टर ये रिलेटिवली परमानेंट है. मास्टर में आपने नेम डाल दिया, आधार पैन सब डाल दिया, वो चीजें बार बार ट्रांजैक्शन लिखते समय डालने की जरूरत. चार टाइप के मास्टर, ए आई पी एस, ए आई पी एस, ए आई, अरे ए फॉर आई फॉर
बोलना है हौला है क्या तू? पी फॉर पेरोल, एस फॉर स्टैट्यूटरी, ए फॉर अकाउंटिंग, आई फॉर इन्वेंटरी, पी फॉर पेरोल, एस फॉर ए फॉर अकाउंटिंग, आई फॉर इन्वेंटरी, पे फॉर पेरोल, एस फॉर स्ट्रक्चर नहीं हौला है क्या? स्टैट्यूटरी है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या वो एम एस में है, वो स्टार का एस हौला से स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर चिल्ला रहे बच्चे कंफ्यूज हो रहे उधर, देखो ये पंकज एस को स्ट्रक्चर बोल रहा है, नहीं नहीं देखो इंडिया देख रही है भाई और भाई ना, अकाउंटिंग में आपने अगर उसका पैन नंबर बैंक नंबर डाल दिया ना बार बार डालने की जरूरत है, अरे इन्वेंटरी में आपने उसका ईएस का वॉल्यूम नंबर 1 2 डाल दिया हा? उसका सब कुछ डाल दे वो चीजें बार बार डालने की, पेरोल में उसका नाम डाल दो, उसका एड्रेस डाल दो, उसका जेंडर डाल दो, उसका ब्लड ग्रुप डाल दो, उसके बीवी उसके बच्चे उसके सब कुछ क्वालिफिकेशन उसके सैलरी डाल दो, एक बार वो डाल दिया ना बार बार घड़ी घड़ी उसका बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया बार बार डालने की जरूरत, और स्टैट्यूटरी में एक बार अपने जीएसटी का 5% लिख दिया तो हर बार जब आइटम बिकेगा ना वो बार बार डालने की जरूरत, बोलो दोस्तों वाउचर एंट्री वाउचर क्यों जरूरी है? अगर फाइनेंशियल सिस्टम में और टैली जैसे सॉफ्टवेयर में अगर वाउचर ही नहीं होंगे, अरे डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, पेमेंट वाउचर, सेल्स वाउचर, रिसीट वाउचर, परचेस वाउचर, काउंटर, अगर वाउचर ही नहीं होंगे तो एंट्री करते? बताओ बच्चों वाउचर, हर एक सीरियल का वाउचर नंबर अलग होता है, जैसे पेमेंट का 1 2 3 4 अलग होगा, सेल्स का अलग होगा, रिसीट का अलग होगा, अरे कॉन्ट्रैक्ट का अलग होगा, बोलो होगा कि नहीं? पर अगर मान लो परचेस का नंबर 1 किसका होगा तो वापस 1 किसी और का, और सीक्वेंस में इश्यू होता है, वो यूनिक होते हैं, वो प्रीफिक्स सफिक्स भी होता है, वो सीक्वेंस में इश्यू होते हैं, वो यूनिक होते हैं। हाँ आगे बोलेंगे अकाउंटिंग फ्लो, अरे आज ही पढ़ा ना रे सॉफ्टवेयर कौन से काम करता है, और इंसान मुझे इंसान सिर्फ ट्रांजेक्शन करता है और ट्रांजेक्शन एंट्री करता है, बाकी पोस्टिंग बैलेंसिंग ट्रायल बैलेंस पी एंड एल अकाउंट बैलेंस शीट सारा काम कौन करेगा? अरे बोलो ना उसके अंदर ग्रुपिंग क्यों जरूरी होता है? हर बच्चे का बाप होना जरूरी है, और बाप गलत होगा ना तो बैलेंस शीट में भी गलत आएगा, अगर वो कैश है भाई और बहनों और आपने उसको करंट लाइबिलिटी में लिखा ना तो कैश लाइबिलिटी में आएगा, इसलिए बाप का नाम सिलेक्शन सही होना चाहिए, तो जो बंदा जब मास्टर बनाएगा ना उसके ग्रुपिंग सही डालना। बच्चों बताओ बच्चों ग्रुपिंग ही नहीं होगा तो क्या होगा आपके बैलेंस शीट में? अगर मान लो आपने सनडे डेटर नहीं डाला और सारे नाम लिख दिया तो बैलेंस शीट में सब नाम आएंगे, बैलेंस शीट समराइज होना चाहिए, सनडे डेटर पे क्लिक करने के बाद में नाम दिखना चाहिए, पर बेसिकली अप फ्रंट क्या दिखना चाहिए? सनडे डेटर। तो इसलिए जब भी हमारे जितने डेटर है, जैसे अंकुश नाम का कोई डेटर है तो अंकुश सनडे डेटर, पंकज सनडे डेटर, तो ये ग्रुपिंग का नाम डालता कि जब भी पंकज लिखेगा तो पंकज का नाम बैलेंस शीट पे नहीं आएगा, सनडे डेटर का, समझ गया? अगला पॉइंट कम ऑन गाइस, एवरीबॉडी वेलकम बैक आरबीसी, आप जानते हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने उमेश को यहां पे बुलाया था, मैंने आपको बताया था टेक्निकल वाले को सिर्फ टेक्निकल दिखता, उसको फैकल्टी की डिटेल्स नहीं दिखती, टैक्स की डिटेल्स, अरे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉस्ट शीट उसको वही दिखाएंगे, काम होगा वैसा उसका एक्सेस होगा। बताओ बच्चों टाइप्स ऑफ एक्सेस चार होंगे, सी ए सी फॉर क्रिएट, ए फॉर ऑल्टर, वी फॉर व्यू, पी फॉर प्रिंट, सी फॉर क्रिएट, ए फॉर ऑल्टर, वी फॉर व्यू, पी सबको सब कुछ रखो दो। मैंने आपको बोला था हमने अपने ऑडिटर को क्रिएट का ऑल्टर का पर व्यू का दिया था प्रिंट का, तो यानी कि आप पहले जब भी कोई यूजर क्रिएट करते उसकी एक्सेस को चुनना सही चुना होना जरूरी, नहीं तो वो भी देख लेंगे जो दिखाना नहीं था। दोस्तों आपसे एक सवाल पूछेंगे, ईआरपी का ऑडिट आपने चिट्ठिया लगाई थी देख लो, अरे अरे आपके पास में अरे वो चिट्ठिया काय के लिए लगाई थी रे आपने? आपको पहले रिकॉर्ड करना नहीं आया तो आपने चिट्ठी भी पढ़ना है, यहां पे क्या बैठे मेरे मौत का तमाशा देखने? एवरीबॉडी आपको चिट्ठी क्यों लगा के दिया मैंने? ताकि आपको जो चीजें याद नहीं आ रही है, हाँ बताओ ऑडिट, अब ईआरपी का ऑडिट करने वाला ऑडिटर, बिकॉज ऑडिटर जानता है ईआरपी बंद हो जाएगी तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए ऑडिटर ने ईआरपी को ढंग से चेक करना जरूरी है। क्या क्या चेक करेगा वो? कि ईआरपी का डेटा एक्यूरेट आता क्या नहीं, ईआरपी यूजर की नीड फुलफिल करता क्या नहीं, यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया क्या नहीं, उसका बार बार मेंटेनेंस होता क्या नहीं, उसमें अपडेशन आते क्या नहीं, उसके बारे में सबको ट्रेनिंग दिया क्या नहीं, उसके अंदर जो रिपोर्ट आते हैं वो मैनेजर को फुलफिल करते क्या नहीं, अरे उसके अंदर का डेटा जो है वो ऑथराइज लोगों को दिखता है क्या अनऑथराइज को दिखता है, वहां पे पासवर्ड लगाया क्या नहीं, एंटीवायरस है क्या नहीं, फायरवॉल लगाते क्या नहीं, अरे उसका बैकअप लिया क्या नहीं, अरे अगर प्रॉब्लम आई तो सॉल्व करने का कोई प्रोसेस है क्या नहीं, ये उसके अंदर गैप के स्टैंडर्ड है क्या नहीं, ये सारी चीजें कौन चेक करता है? ये चेक करता है करता है करता है। उसके बाद में दोस्तों आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के क्या रिस्क और कंट्रोल का, हमने इसमें बहुत टाइम गलाया था, रिस्क का कंट्रोल, रिस्क
कंट्रोल। दुनिया में पहले चोट्टे लोग आएंगे या घर पे ताले लगेंगे? दुनिया में पहले चोर आए क्या ताले आए? और चोर को देखते देखते ताले आए, इसलिए दुनिया में पहले रिस्क आए कि कंट्रोल आए? दोस्तों दुनिया में पहले वायरस आया क्या एंटी आई मीन एंटीवायरस आया? बताओ अब दुनिया में पहले वायरस आया क्या एंटीवायरस आया? और वायरस क्या है? रिस्क है। तो एंटीवायरस क्या हुआ? कंट्रोल हुआ। चोट्टे लोग चोर है रिस्क है, तो घर का ताला क्या हुआ? यानी कि दोस्तों हर रिस्क है, जहां जहां रिस्क होंगी, जहां रिस्क वहां। हाँ दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बताओ दुनिया में रिस्क जो है ईआरपी के माध्यम से, हमने पीपीटी देखा था, पीपीटी इंप्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन, पी फॉर पीपल, अरे पी फॉर प्रोसेस, अरे टी से टेक्नोलॉजी, अरे इंप्लीमेंटेशन से इंप्लीमेंटेशन और पोस्ट इंप्लीमेंटेशन से पोस्ट इंप्लीमेंटेशन, बोलो सही क्या नहीं? अरे दोस्तों मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये रिस्क है क्या कंट्रोल भी है? इन जगह की पहले रिस्क ढूंढेंगे और रिस्क के सामने वाले कॉलम में उसे कंट्रोल लिखेंगे, बोलो हाँ या ना? मैं आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जैसे इसमें अंदर पोस्ट इंप्लीमेंटेशन में एक रिस्क थी कि लोगों का जो है ना जुनून खत्म हो जाएगा, लोग इंपेशेंट हो जाएंगे, उनको लगेगा क्या है मगज मार यार, रोज 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 लोग इसमें जैसे सीए करते करते लोग हावले हो जाते हैं, ईआरपी में लोगों का पेशेंस खत्म हो सकता है, ये रिस्क है। तो लोगों को मोटिवेशन करना उसका कंट्रोल है, समझ? अरे बोलो ना भाई, आ रहा है क्या नहीं समझ में? तो वैसे अलग अलग टाइप की रिस्क है, अरे बोलो भाई। वैसे सबकी रिस्क हमने देखी तो कंट्रोल भी देखे थे। आप बताओ दुनिया में दो टाइप के सॉफ्टवेयर कौन से है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पे टैक्स और अकाउंट दोनों साथ में आता है, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पे टैक्स और अकाउंट अलग आता है। बताओ अच्छा कौन सा है? जहां पे टैक्स का सॉफ्टवेयर भी वही है, अकाउंट का भी वही, अकाउंट का डेटा आया कि टैक्स ने अपने पर ले लिया, और जहां पे अलग होंगे वो बंदे को अकाउंट का डेटा देख देख के उसको लिखना है। इज दैट ओके गाइस? ये कब की बात है? जब वो अलग होंगे। बताओ एक्यूरेसी कहां पे ज्यादा होंगी? जब दोनों सेम होंगे। टाइम कहां पे ज्यादा लगेगा? जब दोनों अलग होंगे। कहां पे एफिशिएंसी आपकी घट जाएगी? जब दोनों अलग होंगे। बनाने को टाइम किसको लगेगा? जब दोनों साथ में होंगे, क्योंकि दोनों को साथ में जोड़ना टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है। बनाने को टाइम किसमें लगेगा? बनाना मुश्किल कौन सा है? जब दोनों साथ में है। ज्यादा फीचर्स किसमें मिलेंगे? जब दोनों अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि अकाउंट वाला सिर्फ अकाउंट का बनाएगा और टैक्स वाला सिर्फ टैक्स का बनाएगा, तो जाहिर सी बात है उनके फीचर्स ज्यादा होंगे। एक बात मैं पूछ तो, कौन सा खर्चे वाला सॉफ्टवेयर कॉस्टली कौन सा होगा? दोनों अलग लेंगे तो कम खर्चा, बिकॉज ऐसे सॉफ्टवेयर बाजार में रेडीली अवेलेबल है। पर आप दोनों को एक साथ जोड़ के बनाओगे कि भाई अकाउंट का भी सॉफ्टवेयर वही, और अपने आप टैक्सिंग टैक्सेशन का काम भी अपने आप ही हो जाना चाहिए। इसको बनाने को कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकता है। अगला प्रश्न आप सामने, बताओ 11 मॉडल में से मैं किसकी बात कर रहा हूं? बताओ इस मॉडल, 6 मॉडल दिख रहे हैं इस पेज पे। बताओ बाबा रामदेव को कौन सा है इसमें? मटेरियल। इसमें से ऐसा कौन सा मॉडल है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने एम्प्लॉइज है उसका सैलरी, उसका अटेंडेंस, उसका पेरोल, हाँ उसके लीव, उसके ट्रेनिंग सब कुछ मेंटेन खुद करेगा? ह्यूमन रिसोर्स। में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसमें से कौन सा मॉडल जो आपको बैलेंस शीट देगा, पेनल अकाउंट देगा, अकाउंट रिसीवेबल, बिल्स पेबल, अरे ईपीएस, अरे डीपीएस, अरे सब कुछ देगा फाइनेंस के बारे में, लेजर्स देगा, हाँ ट्रायल बैलेंस देगा, कौन है वो? बताओ आपको लगता नहीं फाइनेंस मॉड्यूल के संबंध बाकी सारे मॉड्यूल से होना चाहिए? कि आपको लगता नहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है? इसको सारे मॉड्यूल की जानकारी दिखना चाहिए। ये अगर गड़बड़ हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन लोगों को पैसे टाइम पे नहीं मिले। इसके संबंध एचआर से होना चाहिए, बोला हाँ ना? इसके संबंध एमएम से होना चाहिए, मटेरियल मैनेजमेंट से, हाँ ना? अगला सवाल मैं पूछूंगा आपसे, बताओ कंट्रोलिंग में किसको कंट्रोल किया जाता है? कंट्रोलिंग मॉड्यूल इज देयर टू कंट्रोल दो चीजें, एक तो कॉस्ट कम होना और रेवेन्यू बढ़ना। इंसान की जिंदगी में प्रॉफिट तब बढ़ता है जब उसका रेवेन्यू बढ़ता है और उसका कॉस्ट है। तो ये आपको ईआरपी का बोलना आपको पुख्ता जानकारी देगा, जिससे आपको समझेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एरिया वाइज कॉस्टिंग कितनी, प्रोडक्ट वाइज कॉस्टिंग कितनी, पूरी मिला के कॉस्टिंग कितनी, अरे बोलो है क्या नहीं? तो बताओ बच्चों कितने यहां पर, ये 7 पॉइंट दिख रहे क्या? बताओ सबसे पहले वाला क्या करता है? अरे आपने कल चिट्ठिया पे लगा के लिखा भी था, अरे नहीं आ रहा तो देख के बोलो रे। अरे आपको बोलना जरूरी, सबसे पहले क्या कर रहा है? कॉस्ट एलिमेंट मतलब क्या, बोलो जल्दी से। ये आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का टोटल कॉस्ट और पूरी ऑर्गेनाइजेशन टोटल रेवेन्यू बताता है। दूसरा बोलो क्या करता है? कॉस्ट सेंटर। ये डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि आपके एचआर में कितना, आपके मार्केटिंग में कितना, आपके टेक्नोलॉजी में कितना, रिसर्च में कितना, डिपार्टमेंट वाइज। नंबर तीसरा एक्टिविटी बेस्ड। क्या होता है एक्टिविटी बेस्ड? जैसे कि ये प्रोसेस वाला है ना, यानी कि प्रोसेस वन में कितना, प्रोसेस टू में कितना, डी में इंटरनल ऑर्डर्स। अगर आपने कोई स्पेसिफिक टास्क करना है, जैसे कि आपने कोल्ड ड्रिंक दे दी,
पॉकेट में, या बच्चों को आइसक्रीम पॉकेट में दे दिया, या हमने बॉक्स पैकिंग किया, तो उस स्पेसिफिक टास्क का, स्पेसिफिक जॉब का कितना कॉस्टिंग बढ़ेगा, उसके बाद में आपको प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग क्या है रही है? ये प्रोडक्ट एचयूएल का एग्जांपल लेता, लक्स का कॉस्ट कितना, हाँ, लाइफबॉय का कितना, हमाम का कितना, बोलो रे है, सर्फ एक्सेल कितना, पेप्सोडेंट का कितना, वो सब प्रोडक्ट वाइज कॉस्टिंग आती है। पता बच्चों कॉस्टिंग दिखा रहे क्यों? अरे दोस्तों कॉस्टिंग ही नहीं पता तो क्या घंटा कंट्रोल करोगे आप? कंट्रोल तो तब करेगा ना जब आपको कॉस्टिंग पता है। पर दोस्तों कॉस्टिंग कंट्रोलिंग मॉडल का सिर्फ काम कंट्रोल करना नहीं होता, कंट्रोलिंग मॉडल सिर्फ कॉस्ट के बारे में नहीं बताता, वो प्रॉफिट के बारे में होता। इसलिए एफ और जी पॉइंट जो है ऊपर के पांच पॉइंट कॉस्टिंग के बारे में, अरे बोलो ना आखिर के दो पॉइंट प्रॉफिट के, प्रॉफिट एनालिसिस क्या है बताओ? ये आपको दिखाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के, बोलो रे एरिया वाइज प्रॉफिट, नॉर्थ से कितना आ रहा, साउथ से कितना आ रहा, ईस्ट से कितना आ रहा, वेस्ट से कितना आ रहा, एरिया वाइज। और ये प्रॉफिट सेंटर का मैं अगर आईटीसी का एग्जांपल ले लूं, अरे बोलो ना, अरे चिट्ठियों पे लिखा था, आप क्या बोलो रे? अरे बोलेंगे नहीं तो आएंगे नहीं। हाँ अगर आप आईटीसी है तो आपको देखना होगा टोबैको से कितना आ रहा, स्टेशनरी से कितना आ रहा, होटल से कितना आ रहा, आईटी इंडस्ट्री से कितना आ रहा, ये आपको जानकारी यहां से मिलेगी। बताओ बच्चों आपको क्यों पता होना चाहिए किससे कितना प्रॉफिट आ रहा? आपको समझना चाहिए कि भाई ये धंधा करके फायदा है, ऐसा तो नहीं, इसकी कॉस्ट उसके प्रॉफिट से है, उसके रेवेन्यू से है, ज्यादा है। अगला सवाल आपको बताओ बच्चों क्वालिटी के लिए, मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, बोलो दिए थे कि नहीं? हाँ, जैसे कि फार्मा कंपनी वैक्सीन लगाने से पहले क्वालिटी चेक कर ले, ऑटोमोबाइल कंपनी, अरे आपने लिखा एग्जांपल देखो, ऑटोमोबाइल कंपनी, मोबाइल कंपनी, फूड सेक्टर, जिनका गाड़ियों की कंपनी, गाड़ी डिलीवर होंगी, टीवी डिलीवर होगा, फ्रिज डिलीवर होगा, नहीं पहले क्या करेंगे? क्वालिटी। और क्वालिटी अगर खराब आपने मार्केट में, आपका डिफेमेशन होगा, कस्टमर डिसेटिस्फाइड, आपका नाम खराब हो जाएगा, लोग केस ठोक देंगे, इससे पहले क्या करेंगे? क्वालिटी। इससे ईआरपी के इस मॉडल से हम लोग क्या करते हैं बताओ, क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है? पहले इसमें क्वालिटी के स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, प्लानिंग करते कि कैसे अच्छा होना चाहिए, फिर क्या करते हैं उसको स्टैंडर्ड लगाते कि कैसा 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 ऐसा होना चाहिए, फिर जो एक्चुअल में तो उसका मेजरमेंट आता है, फिर हम देखते स्टैंडर्ड अलग क्यों है और एक्चुअल अलग, उसके वेरियंसेस ढूंढते हैं, फिर वेरियंसेस के ऊपर हम लोग एक्शन लेते हैं और उसका रिपोर्टिंग सारे मैनेजमेंट को बार बार करते हैं। अरे बोलो ना, ये काम होता है ना, इससे क्या समझता है मेनली क्वालिटी से? मेरी क्वालिटी के स्टैंडर्ड में होता है ऐसा 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 होना, उसकी प्लानिंग करता हूं, फिर देखता कैसा कैसा हुआ, फिर ऐसा सोचा था ऐसा क्यों हुआ, फिर उसके ऊपर एक्शन लेता हूं और उसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स में उसकी क्वालिटी चेक करता हूं। ये लिखा, ये सारी एक्टिविटीज में क्वालिटी में होती, बराबर क्या नहीं भाई? अब बताओ ये सब हो गया, अब बताओ पांच मॉडल बोलो, इसमें से कौन सा मॉडल है जिसके से आपके संबंध कस्टमर से अच्छे होंगे? दोस्तों एक जमाना था छोटी छोटी दुकान में, जब छोटे छोटे कम नंबर ऑफ कस्टमर थे, इट वॉज वेरी इजी फॉर द मैन, इट वॉज वेरी इजी फॉर द शॉपकीपर टू हैव अ गुड रिलेशन विद द कस्टमर। बट आज के जमाने में फ्लिपकार्ट अमेजोन में करोड़ों कस्टमर है, कैसे बात कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं। इसके लिए नई टेक्नोलॉजी विच विल ब्रिज द गैप बिटवीन द कस्टमर एंड द, इसलिए दोस्तों अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पास में, जोमैटो के पास में अब इंसान बात नहीं करते, टेक्नोलॉजी उनको हैप्पी बर्थडे टू यू बोलेगी, हैप्पी न्यू ईयर बोलेगी उनके बारे में, ना कि सिर्फ कस्टमर के बारे में सोचती है, कस्टमर ने आज तक हमारे कंपनी से क्या 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 लिया, वो सब कुछ डेटा कलेक्ट करती है, उसको एनालाइज करती है। मान लो पंकज ने हर बार एलपी से डिस्काउंट में कपड़े खरीदे होंगे, तो अगली बार जब डिस्काउंट आया वो बोलेंगे, ए पंकज आता क्या, ए आना आजा, वो मैसेज जो गुट्टे को नहीं गया, क्योंकि गुट्टे कभी भी डिस्काउंट में नहीं खरीदता। भाई और बहना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरा एक बात पूछना है आपको कि सीआरएम सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं करता, एनालाइज करता है, आपको समझता है कस्टमर के बिहेवियर को और उसको उसी टाइप की मार्केटिंग करता। बोलो कौन से टाइप की? जिस टाइप का कस्टमर वो है। एक सीआरएम के दो ऑब्जेक्टिव, जो मेरा है वो मेरा रहे, जो मेरी है वो मेरी रहे और जो दूसरों की भी मेरी हो जाए। लक्ष्मी की बात कर रहे हैं हम तो, क्या सोच रहे हो लाएंगे? जो मेरी आए, मतलब जो मेरा कस्टमर है और दूसरे के कस्टमर भी, यहां पे इरादे मेरे ठीक नहीं है। सीआरएम से हम अपने कस्टमर को ऐसी टेक्नोलॉजी से सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, कस्टमर जब चाहे तब एनी टाइम ऑर्डर कर सकता, एनी टाइम क्वेरी डाल सकता, एनी टाइम ऑर्डर, इससे ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे विच विल ब्रिज द गैप बिटवीन, बोलो ना। जैसे आजकल बैंक का जो सॉफ्टवेयर अपने आप में सीआरएम, ताकि कस्टमर कभी भी बैंक से इंटरेक्ट कर सकता है, वैसे तो बोलो बच्चों इस सीआरएम के फायदे बताओ कौन से फायदे? अरे हमने किया ना सभी, अरे आपने लिखा ना, इसका कुछ मेमोरी नहीं बनाया था क्या? सीआरएम के फायदों का मेमोरी नहीं बनाया क्या आपने? कुछ नहीं बनाया, क्या क्या लिखा है इसमें बताओ? आपका कस्टमर रिलेशन अच्छा हो जाएगा, अरे बोलो ना भाई, और आपका रेवेन्यू कैसा बढ़ेगा? आप बराबर उन्हीं को ऐसे जैसे डिस्काउंट आया मार्केटिंग करके आ जाएगा। तीसरी बात, आप जैसे वो जो चीज बाय करता है, अब वो कंप्यूटर बाय करता, आप उसको लेंगे स्पीकर लेता क्या, ए हार्ड डिस्क लेना, ए ब्लूटूथ भी ले ले, तो ऐसा मोबाइल लेंगे बोले ये कवर लेता क्या?
तो मैक्सिमाइज क्रॉस सेलिंग करेंगे उसको. चौथे में क्या पॉइंट है? बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन. मालूम है कैसा, क्या मतलब है इसका? अरे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के एक सेल्स ने कभी किसी कस्टमर को सेल किया और वो कॉल अभी किसी और को आया तो उसको भी मालूम था उसने क्या बात की. यानी एग्जांपल कल्चर के आपने फ्लिपकार्ट से कुछ बाय किया और बाद में आपने बोला भैया गुड्स नहीं मिल रहे मेरे को, आपने कॉल किया बोलेंगे इनवॉइस नंबर बोल तो वो सब कुछ जानकारी देंगे, आपने कितने का ऑर्डर किया था, फिर आपका डिस्पैच कब हुआ. यानी कि इंटरनल कम्युनिकेशन अच्छा, कस्टमर की पूरी कुंडली बनती है वहां पे. और लास्ट में ऑप्टिमाइज मार्केटिंग, हमारा मार्केटिंग उसी को होगा. अरे पर किसको होगा? आप फालतू मार्केटिंग नहीं करते, जो उसके लायक है. अरे नहीं बोलो ना मैं क्या बोल रहा हूं. एक बार मैंने बुक माय शो से दो टिकट परचेस करे. यहाँ पे कोई तो एक इंग्लिश आर्टिस्ट आया था, ब्रांड वो था ना समर ऑफ 69 का कोई तो ब्रांड, क्या नाम है उसका, दैट गाय हैज कम. तो वो आया था यहाँ पे, तो उसके टिकट मैंने बुक माय शो से लिए थे. तो उसको समझ गया इंग्लिश कॉन्सर्ट का दीवाना है, कोई बड़ा सिंगर आएगा फॉरेनर आएंगे तो ये. तो उसके बाद में जब अगला एक सिंगर आया तो बराबर इंग्लिश सिंगर आया, उसने बोला भाई आता क्या. मैंने मेरे दोस्त को पूछा तेको मैसेज आया क्या, बोले मेरे को नहीं आया. मतलब मुझे क्यों आया, बिकॉज उसने समझा मेरे, मैं कस्टमर, उसने देखा ये बंदे को थोड़ा हौला है, ये जो है ना ये बराबर ऐसी चीजों का दीवाना है, उसने बराबर मुझे ही भेजा. वही तो है ना ऑप्टिमाइज मार्केटिंग, वो उसको ही भेजता बराबर जो उसके लायक है. तो बताओ भाई पांच पॉइंट कौन से, हमारे कस्टमर से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आर अंडरलाइन कर दो, हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, वापस आर अंडरलाइन कर दो, बराबर है क्या, हमका क्या बढ़ेगा, हमारा सेलिंग बढ़ेगा. तो सेलिंग का एस अंडरलाइन कर दो तो आर आर एस हो गया, उसके बाद में हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा. अरे बोलो भाई, तो सी अंडरलाइन कर दो तो क्या हुआ, आर आर एस एस सी और मार्केटिंग का एम करो जल्दी, एस सी एम सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ गया इसमें, आर आर एस सी एम. अरे अरे एस सी एम ये मैं आपको एक बात बताऊं क्या, इसमें सीआरएम आ गया ना अपने आप ही. अरे क्वेश्चन भी सीआरएम, आंसर भी सीआरएम, आर आर सी, देखो सीआरएम आ गया. अरे को नहीं आर एम सी आर एम. सी डबल आर डबल एम. क्वेश्चन भी सीआरएम, मेमोरी टेक्निक भी सीआरएम, ऐसा पूरे 2000 सालों में एक बार होता है. क्वेश्चन भी वही मेमोरी टेक्निक, क्या बोले, सीआरएम क्वेश्चन और मेमोरी टेक्निक भी सीआरएम. सर कहां सीआरएम है, देखो ना सीआरएम ही है, सी से व्हाट, कम ऑन सीआरएम. क्वेश्चन भी सीआरएम और मेमोरी टेक्निक भी सीआरएम. सी फॉर बोलो, कम ऑन बच्चों, आपका कम्युनिकेशन अपना इंटरनल अच्छा हो जाएगा. दो से आर पॉइंट है, आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा. आपका आर से आपका रिलेशन अच्छे हो जाएंगे. और एम से दो पॉइंट, आपका मार्केटिंग अच्छा होगा. एम से मैक्सिमाइजिंग आपका सेलिंग हो जाएगा. बोलो भाई क्वेश्चन कौन सा सीआरएम, आंसर कौन सा सीआरएम, बोलो सीआरएम 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 सीआरएम. क्या बोलेंगे सीआरएम, सीआरएम के फायदे कौन से, तो बोले सीआरएम है. तो बोलो सी क्या, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा, आर से रेवेन्यू बढ़ रहा, आर से आपके रिलेशन अच्छे हो रहे, एम से आपका मार्केटिंग अच्छा हो रहा, एम से आपका क्या हो रहा है, एम से क्या हो रहा है. हाँ अब अगला सवाल, प्लान 20. दोस्तों मैंने आर से कहा था कोई क्यों और, मैंने आपको रिलायंस मुकेश अंबानी की फैक्ट्री दिखाई थी और बोला था एक ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी बहुत सारे मशीन इन्वॉल्व होती, उनका टाइम पे मेंटेनेंस करना, कभी कभी टाइम पे मेंटेनेंस नहीं हो जाएगा तो वो मशीन तो खराब होगी, खर्चा लगेगा अलग, पर आपका प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाएगा. इसलिए बोलो ईआरपी का मॉडल क्या करता हूं, लिख के रखता है कौन से मशीन से उसका मेंटेनेंस लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, इसका ड्यू डेट क्या है, और उसकी इन्फॉर्मेशन भेजता है. इसको बोलते हैं प्लांट एंड मेंटेनेंस, जिसकी जरूरत मुझे नहीं है बिकॉज मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्लांट एंड मशीन नहीं. एससीएम करता क्या बताओ, एक ऐसा मॉड्यूल है, बोलो कस्टमर ने ऑर्डर करने के बाद कस्टमर ने मिलने तक जितने लोग इन्वॉल्व होंगे ना उनके सब में अगर आपस में कोऑर्डिनेशन है और जिसके से कस्टमर को टाइम पे सप्लाई होता है तो इसका मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में एससीएम है. कस्टमर ने ऑर्डर किया उसके अंदर लॉजिस्टिक को मालूम होना, उसके अंदर सप्लायर को मालूम होना, उसके अंदर फाइनेंस को मालूम होना, डिस्पैच को मालूम होना, शिपिंग वाले को मालूम होना, और सबने मालूम होगा अगर टाइम पे काम करा तो कस्टमर को टाइम पे गुड्स मिले तो दोस्तों कस्टमर हो जाएगा खुश. तो अगर ऐसा है तो हम कहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रॉन्ग एससीएम है. तो कब कहेंगे स्ट्रॉन्ग एससीएम नहीं है, कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया, डिस्पैच वाले को मालूम नहीं, फाइनेंस वाले को मालूम नहीं, सप्लायर बोल रहा मुझे मालूम नहीं, और कस्टमर गुड्स जो 8 दिन में मिलना था वो 20 दिन में मिला, तो कहेंगे इनका एससीएम अच्छा नहीं है. समझ गया? क्या आपको लगता है आज की दुनिया में फ्लिपकार्ट अमेज़न की दुनिया में कॉम्पिटिशन है क्या, नहीं ज्यादा? क्या टाइम पे सप्लाई करना बहुत जरूरी है? अरे बोलो ना भाई, कभी आपकी शादी एक कलर आपने ऑर्डर किया उसने बोला था 12 घंटे मिलेगा, वो दोस्त तो 12 घंटे में नहीं मिला, वो मिला 4 दिन बाद, अब क्या करें उसका. तो कभी कभी चीजों का टाइम पे सप्लाई होना. हाँ आगे बोलो भाई, ये प्रोडक्शन प्लानिंग आपको होमवर्क था. और प्रोजेक्ट सिस्टम क्या है, मैंने कहा था मेरे एक दोस्त है जिसके पास में पुणे के अंदर 26 साइट चल रही है, बिल्डर है मेरा दोस्त, ये इस एरिया में चल रही है
कंस्ट्रक्शन की साइट, उस एरिया में कंस्ट्रक्शन की साइट, और वो बैठा इधर शिवाजी नगर में, एंड नाउ ही वांट्स टू नो द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स। दोस्तों कहीं जाता नहीं, ईआरपी के इस मॉड्यूल से सारे प्रोजेक्ट में कितना सीमेंट है, कितनी सैंड है, कितना काम हुआ है, कितने लेबर है, क्या क्या चल रहा है, उसको यहां से क्लिक पे, क्या वो इससे पूरा रीशेड्यूलिंग कर पाएगा, क्या फंड्स का मैनेजमेंट कर पाएगा, या बराबर से जॉब का रीशेड्यूलिंग कर पाएगा? हाँ जी, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट सिस्टम। इसके से आपको एक प्रोजेक्ट नहीं, बोलो यार मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती, समझ गया? हर मॉड्यूल के अब मैं 11 मॉड्यूल है ना, मैं आपको एक नाम बोलूंगा, आप पहचान कौन, क्या बोला मैं आपको काम बताऊंगा, आप नाम बताओ, मैं बताऊंगा काम, आप बताएंगे नाम, मैं बोलूंगा काम, आप बोलेंगे ऐसा कौन है जो एम्प्लॉय की जानकारी मेंटेन करता है, एचआरएम, ऐसा कौन है आपके कस्टमर से संबंध अच्छे बनाएगा, ऐसा कौन है आपको बैलेंस शीट पी एंड एल अकाउंट देगा, फाइनल, ऐसा कौन है दोस्तों सही समय पे सही इंसान को टाइम पे गुड्स पहुंचाएगा, सप्लाई चेन, ऐसा कौन है दोस्तों आपकी कॉस्ट कम करवाएगा, कंट्रोलिंग मॉड्यूल, ऐसा कौन है दोस्तों बाबा रामदेव को मक्खन खरीदने में हेल्प करेगा, मटेरियल मैनेजमेंट, दोस्तों ऐसा कौन है जिसकी वजह से, अरे बोलो ना जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट, आप बताओ ऐसा कौन है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लैंड है, बहुत मशीन है, बहुत प्लांट है, और मैं चाहता हूं कि टाइम पे मेंटेनेंस होना चाहिए, प्लांट एंड मेंटेनेंस, ठीक है ना, प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल लिखा है ना, ओके बताओ बच्चों ऐसा कौन सा मॉड्यूल है, ऐसा कौन सा मॉड्यूल जो बताओ, कौन सा बोलो ना तुम, ऐसा कौन सा मॉड्यूल जो मुझे रॉ मटेरियल खरीदने में मदद करेगा, मटेरियल मैनेजमेंट, क्या बोला मटेरियल, बताओ बच्चों ऐसा कौन सा मॉड्यूल है, ऐसा कौन सा मॉड्यूल है जो मुझे हेल्प करता है मेरी क्वालिटी अच्छी करने के लिए, क्वालिटी अच्छी करने के लिए बताओ, क्वालिटी अच्छी करने की क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, प्लानिंग करते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं, फिर उसका बार बार मॉनिटरिंग करते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, है ना। एक बात मैं पूछू, बाबा रामदेव के 9 स्टेप बताएंगे आप, कल हमने लिखा भी था मटेरियल मैनेजमेंट के, पहले प्रोडक्शन वाला रिक्वेशन भेजता किसको, परचेस को, तो सबसे पहले रिक्वेशन भेजा, वो रिक्वेशन इवेल्यूएट करता परचेस वाला, उसको लगता मक्खन खरीदना जरूरी है, फिर क्या बोला ए भाई वो भेजो, क्या भेजो, कोटेशन, तो कोटेशन, तो कोटेशन आए सबके, तो 3 में कोटेशन मंगवाए, 4 में कोटेशन इवेल्युएट किए, 5 में उनको ऑर्डर किया जो अच्छे थे, अच्छे मक्खन वाले, 6 में मक्खन आया कहां पे, वेयर हाउस में, फिर 7 में क्या करते हैं जो मक्खन है प्रोडक्शन को भेजा, फिर 8 में हमें वो उसका इनवॉइस आया, 9 में हमने पेमेंट किया, एक बार देख लो भाई बराबर है क्या, अरे बोलो ना रे, बोलो वापस से, नंबर 1 प्रोडक्शन वाले ने रिक्वेशन भेजा परचेस को, परचेस वाले ने इवेल्युएट किया, फिर कोटेशन सबको भेजा, कोटेशन इवेल्युएशन करके, इवेल्युएशन किया 4 में, 5 में एक को सेलेक्ट किया, 6 में मटेरियल आया, 7 में उसके हमने उस मटेरियल को प्रोडक्शन में भेजा, फिर बाद में हमारे पास में हमने इनवॉइस मिला तो उसका पेमेंट कर दिया। दोस्तों आपसे एक बात है, सेल्स वाले का भी बोल दो, सेल्स में 6 पॉइंट्स है, अरे वो ना रहे सेल्स वाले रहे, डायरेक्ट लोग सेल नहीं, डायरेक्ट लोग बाय नहीं करते, वो क्या करते पहले आपसे भाव करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, उसको बोलते प्री सेल। नंबर दूसरी बात, आपको सेल्स आया, फिर सेल्स आके तो आपको इन्वेंटरी चेक करना पड़ेंगे, इन्वेंटरी मारे तो आपको डिस्पैच करना पड़ेगा, भाई पैसे भी तो लेंगे तो बिल देंगे और बाद में पैसे मिलेंगे, तो बिल देंगे 5 में 6 में पैसे मिलेंगे, बोलो क्या क्या हुआ, प्री सेल, सेल्स, इन्वेंटरी, डिस्पैच, बिल्स एंड पेमेंट। दोस्तों आई थिंक ये सब सारे मॉड्यूल्स के ऊपर, 11 मॉड्यूल्स के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस आ चुका है। बोले दोस्तों एमआईएस का लॉन्ग फॉर्म, बोले मैनेजमेंट एनी सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स वाइज रिपोर्ट, आज लिखा था हमने एग्जाम्पल एसपी सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल टेली सॉफ्टवेयर। बताओ बच्चों एमआईएस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सी 4 टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है, स्टार, S for structure, T for timeliness, A for accurate, R for S for structure, T for timeliness, A for accurate, R for S for T for A for accurate। यानी कि MIS के अंदर structure होना मतलब user friendly information होना, T मतलब time पे मिलना, A मतलब error free होना, R मतलब जो type के मेरा धंधा है। अगला पॉइंट आपके सामने दोस्तों, ये ईआरपी के एग्जांपल्स आपने ऑलरेडी 11 ऑलरेडी इसको हटा देंगे, इंटीग्रेशन के बारे में कुछ बोलो, क्या ईआरपी का एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से लिंक्ड होता है? दोस्तों हमने जब हमारे पास जिसने जब ऑर्डर, मैं सेल्स वाला था, मुझे बोला 100 कंप्यूटर चाहिए, तो मैंने क्या करा पहले इन्वेंटरी चेक किया, मैं कौन हूं और मैं क्या चेक कर रहा हूं, फिर मैंने उसने बोला मुझे 18 को नहीं 12 तारीख को चाहिए, वो बोला सर रीशेड्यूलिंग, तो मैंने लॉजिस्टिक से बात करी, अरे बोलो मैंने सीआरएम में जाके उस कस्टमर का कुंडली देखा, यानी कि मैं हूं सेल्स का, मैंने सीआरएम भी देखा, मैंने इन्वेंटरी भी देखा, मैंने लॉजिस्टिक भी देखा, यानी कि एक मॉडल के संबंध, तो क्या लिंकिंग होता है कि ईआरपी में? अरे बोलो भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स के संबंध बोलो, सेल्स वाले सेल्स क्या डिस्पैच को मालूम हुआ कि नहीं, लॉजिस्टिक को मालूम, ये टेक्निकल है सीआरएम,
इसका मतलब क्या हुआ? एक मॉडल के संबंध यानी कि इंटीग्रेशन होता है। अगला प्रश्न ये दोस्तों, एक वाहियात क्वेश्चन आपके सामने था, अकाउंटिंग का लाइफ साइकिल ओवरऑल क्या होता है? तो पहले सोर्स होता है, आपको एक चिट्ठी मिली, आपने जर्नल एंट्री करी, फिर उसका क्या बना? लेजर बना। लेजर से क्या बना? ट्रायल बैलेंस बना। लेजर से ट्रायल बैलेंस बना भाई और बहनों, और उस ट्रायल बैलेंस के बाद में एडजस्टमेंट आई, आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, और फिर उसके बाद में ट्रायल बैलेंस को आपने क्लोज किया और आपको मिले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद है? ओके, अगला प्रश्न आपके लिए। अरे यार ये चैप्टर तो खत्म होने में अरे तो बच्चों दो ही क्वेश्चन बचे, एक्सपीआर एंड व्हाट बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स। बताओ बच्चे एक्सपीआर के नाम होंगे एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग। अरे मेरे सवालों का जवाब दो, अरे बोलो ना, एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग बताओ क्या मतलब है इसका? ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे बिजनेस रिपोर्टिंग जब भी एसपी सेक्शन नंबर 137 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसने कहा कि जो कंपनी जो लिस्टेड होंगी या जो अनलिस्टेड, इसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा या पेड अप शेयर कैपिटल 10, उनको AOC4 जो भरना है वो XBRL। यानी दोस्तों आज के बाद में आप जो भी फॉर्मेटिंग करें फॉरगेट अबाउट इट, आपको सभी को हैव टू कन्वर्ट योर फॉर्मेटिंग इनटू XBRL। क्या बताओ इन्वेस्टर दीदी चाइना की, अरे सॉफ्ट बैंक, अरे सिकोया, अगर ये ओयो बैंक में ओयो रूम में पैसे लगाना चाहते तो उनको क्या, दे वांट टू नो द रिपोर्ट्स ऑफ ओयो, और ओयो के रिपोर्ट अगर आपने टैली में होता दे विल नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज वो इंग्लिश लैंग्वेज में उनको समझेगा नहीं, वो उनके डॉलर में नहीं उनको समझे, इसलिए क्या होते वो बोलेंगे हमको XBRL फॉर्मेट दो, सो दैट XBRL का फॉर्मेट अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट होता गया। अरे बोलो ना, अपनी करेंसी में कन्वर्ट होता गया। आप जैसे मेरे जैसे लोग जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, ITC में पैसे लगाना है, विप्रो में लगाए या फिर इन्फोसिस में, हमें कंफ्यूजन है, तो हम लोग क्या XBRL से कंपैरिजन कर पाएंगे? क्या XBRL में कॉमन टैक्सोनॉमी फॉलो की जाती है? टैक्सोनॉमी क्या होती है? एक ऐसी वोकैबुलरी होती है स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन के लिए जिसकी वजह से हम लोग एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं। यानी कि सब उसने बोला AR तो आप डेटर नहीं लिख सकते, आपने सन्डरी डेटर नहीं लिख सकते, आप BR नहीं, आपको सबका नाम AR, तो सब लोग वही फॉलो करते, कॉमन, सो कंपैरिजन हुआ क्या नहीं होगा? बताओ बच्चों XBRL की वजह से कौन से लोग यूज करते XBRL? तो रेगुलेटर से भी यूज करेगा, कंपनी को तो फॉलो करना ही है, ROC को, गवर्नमेंट को फॉलो करना है, इन्वेस्टर्स, अकाउंटेंट, और जो डेटा प्रोवाइडर जैसे कि स्क्रीनर और जो moneycontrol.com। बताएंगे दोस्तों DSLR XBRL के चार इंपॉर्टेंट फीचर कौन से? DSLR डेफिनेशन यानी कि उसमें टैक्सोनॉमी दी होती है, आप अपने नाम से कुछ भी नाम नहीं, आप उन्होंने बोला इसका नाम AR तो आपको AR ही करना पड़ेगा, एस फॉर बोलो आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है बिकॉज बहुत सारे इसके सॉफ्टवेयर के वेंडर अवेलेबल है, और एल फॉर आप लैंग्वेज अपने जो चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं, और आर फॉर बोलो रूल्स यानी कि ICAI का एग्जामिनेशन फॉर्म होता ना वैसे, आपने मैंडेटरी फील्ड भरना है तो भरना, पिन में 5 नंबर नहीं दे सकते, यानी कि जो भी उसमें लिखा होगा, क्या बोला DSLR, D फॉर व्हाट, कम ऑन गाइस, डेफिनेशन, S फॉर सपोर्ट, L फॉर लैंग्वेज, R फॉर व्हाट, रूल्स, वंस अगेन D फॉर डेफिनेशन, S फॉर सपोर्ट, अच्छा मिलेगा लैंग्वेज आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, R फॉर रूल्स। अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों, बताओ भाई बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा, दोनों में फर्क क्या? कौन सा आपको पास्ट और प्रेजेंट का डेटा दिखाता है? बिजनेस इंटेलिजेंस। कौन सा बैकवर्ड है? BI। कौन सा फॉरवर्ड है? डेटा एनालिटिक्स। कौन सा प्रेडिक्टिव डेटा करता है? कौन सा आपको सिमुलेशन दिखाता है? कौन सा आपको डैशबोर्ड दिखाएगा? कलरफुल चार्ट दिखाएगा? जो पहले हुआ है व्हाट हैज हैपेंड का आंसर देगा? BI। कौन सा बोलेगा व्हाट विल हैपन? कौन सा अनस्ट्रक्चर लगता है? डेटा एनालिटिक्स। किसके जवाब गलत भी हो सकते हैं डेटा, पर किसके जवाब गलत नहीं होंगे? BI के जो है वही दिखाता, डैशबोर्ड दिखाएगा, KPI का इंडिकेटर दिखाएगा, BI बराबर है। बताओ बच्चों एक सवाल है आपसे, चाहे वो BI हो, आपको बता, चाहे वो बोलो ना, क्या बोला था मैंने, चाहे वो BI हो चाहे डेटा, क्या देंगे आपको? इंफॉर्मेशन देंगे मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट क्या लगे आपको, क्या अच्छे अच्छे कलरफुल एकदम चार्ट में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप क्या देंगे डिसीजन टाइम पे, इससे आपको क्या होगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आप कंपटीशन में आगे जाओगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी कॉस्ट कम होगी। तो बताओ बच्चों BI के फायदे कौन से कौन से? अरे BI के फायदे अभी तो लिखे हमने, अरे ये मेमोरेटिन लिखा था, बोलो भाई भूल गया क्या? ऑप्टिमाइज डिसीजन मेकिंग विल गिव यू द एडवांटेज ऑफ रेवेन्यू एंड एफिशिएंसी। अगर आपने देखो यहां पे लिखा है ऑप्टिमाइज डिसीजन मेकिंग अगर हुआ तो आपको एडवांटेज मिलेगा, नंबर वन कौन सा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, दूसरा बोलो, अरे आपको एफिशिएंसी बढ़ती और आपके रेवेन्यू बढ़ते, क्या करने से? ऑप्टिमाइज डिसीजन लेने से आपका एडवांटेज होगा कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और बोलो भाई, और आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। बताओ बच्चों सबसे पहले पॉइंट का मतलब क्या हो, जल्दी बोलो यार, टाइम नहीं मेरे पास, अरे बोलो
अरे बोलो एवरीवन, कम ऑन, ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है? Hey guys, welcome back. Optimize का मतलब आपके और नेशन के सारे रिसोर्सेस ऑप्टिमाइज हो जाएंगे. डिसीजन का मतलब क्या है? अरे यार इतना सब रिपोर्ट आपको स्क्रीन पर दिखेंगे तो कितना फास्ट डिसीजन लोगे आप. एडवांटेज, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा आपको बिकॉज आपके डिसीजन मेकिंग सबसे आगे जाएंगे. एफिशिएंसी, इलॉन मस्क को सारी चीजें इतने झलक में मिलेगी तो कितना एफिशिएंट. और डैश, याद रखो डैशबोर्ड के फायदे बता रहा हूं, वो जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसके फायदे बोल रहा हूं. तो आपको एफिशिएंसी बढ़ेगी और रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा आपका, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, अगर स्क्रीन पे मालूम चलता तो आप स्क्रीन पे मालूम चलेगा तो आप अच्छे फैसले लोगे. कोई अगर कोई सही काम नहीं करता तो आप बजाओगे तो रेवेन्यू आपका बढ़ेगा. तो बोलो बच्चों क्या क्या होगा? ऑप्टिमाइज, डिसीजन मेकिंग लेने से आपका एडवांटेज है, एफिशिएंसी बढ़ेगा और रेवेन्यू बढ़ेगा. इसी के साथ में चैप्टर खत्म हुआ. आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट गाइस? हे गाइस, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट? दोस्तों सिर्फ केवल आपने 25 से 30 मिनट में चैप्टर को रिवाइज किया. और दोस्तों ये चैप्टर का रिवीजन मैं आपको देने वाला हूं ताकि आप इसको जब चाहे तब रिवाइज कर सको. बोलो हाँ या ना? ये क्या आप रिवीजन चाहते हो? जरा भाई कमेंट करके बताओ आप रिवीजन चाहते हो कि डू यू वॉन्ट दिस रिवीजन गाइस? अरे डू यू वॉन्ट दिस? हाय हाय, अरे क्या मजा है, कड़क मजा है नहीं? अरे हाउ हाउ एक्साइटेड, अरे आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? कम ऑन गाइस, कितने 35 मिनट्स में हो गया? अरे भाई क्या मजा आ गया जीवन में आज. चलो बच्चों आईसीए का एक पेपर सॉल्व कर लेंगे खड़े खड़े. बोलो कर देंगे सॉल्व सर? मतलब आईसीए का मतलब, अरे भाई आप तो वो समय आ गया ना, आप हम लोग वहां तक पहुंच गए. बोलो कहां तक पहुंचे? तुझे और चाहूं तो क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज्यादा तुझे और चाहूं तो क्या. दर्द का दोस्तों नवंबर 18 का पेपर आपके सामने ये रहा. आर यू रेडी गाइस? कम ऑन. अरे बोल रहा भी नहीं कोई. अरे बोलो भाई, आपको आईसीए का पेपर दिखा रहे. चैप्टर 4 का भी हमें ऐसे ही करना है. अभी हम लोग किसका किए? चैप्टर नंबर 2 को जिस लेवल पे लाया. आपको लगता नहीं चैप्टर 2 आपका चैप्टर 4 से भी अच्छा होगा? तो सर चैप्टर 4 का भी ऐसा ऐसे करेंगे, उसको ऐसा बनाएंगे ना उसको. कल से आप क्वेश्चन बैंक लाना, सिर्फ चैप्टर 2 का क्वेश्चन बैंक और चैप्टर 4, फिर बाद में देखो कैसा माहौल बना था. चलो कितना मजा. नवंबर 18 का क्वेश्चन गया है, 2 आंसर आपको देना है. आपको 4 मार्क के लिए ऐसे ने सवाल पूछा, दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर? देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाएंगे, कितने लोगों के अंदर दम है. सच में आपने 2 में समझा तो आपको जवाब दे देगा. अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू स्विच टू एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग और टैक्स का मिला के उनको कंबाइंड सॉफ्टवेयर चाहिए. ऐसा शिफ्ट कर रहे हो सेपरेट, उनके उसमें पहले सेपरेट था, अकाउंट का अलग था और टैक्स का. अब उनको दोनों का मिला के समझाइए. बीइंग अ कंसल्टेंट टू द मैनेजमेंट ऑफ दिस, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस देम प्रोज एंड कॉन्स. आपको मतलब वही बताना है किसके क्या फायदा और किसका क्या नुकसान है. याद आएंगे आपको? क्या मैं सवाल पूछ सकता हूं? आपको रिकॉल होगा, सच बताओ. कैन यू रिकॉल दिस? कम ऑन एवरीबॉडी. 4 मार्क के लिए सवाल पूछा आईसीए ने, मैंने नहीं पूछा. आईसीए का नवंबर 18 का क्वेश्चन है. बताओ बच्चों कहां पे आपको देख देख के लिखना पड़ेगा? देख देख के लिखना पड़ेगा. जब अलग होगा सेम होगा, सेपरेट होगा, राइट? कहां पे बनाना बहुत मुश्किल है जब एक साथ होंगे. किसमें ज्यादा फीचर्स मिलेंगे? दोनों अलग होंगे. कौन बहुत महंगा है? एक साथ में, बिकॉज आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा. कहां पे एरर होने के चांसेस ज्यादा है? दोनों अलग हो गया ना भाई. 4 मार्क मिले ना आपको, कौन रोक सकता है आपको? बताओ कि आपको आया कि नहीं आंसर? अरे एकदम बस हो गया. आर यू गेटिंग गाइस एवरीबॉडी? अरे कितने लोगों को याद आया बताओ जरा, यहां पे आंसर लिख के दो. हाउ मेनी ऑफ यू कुड रिकॉल? अरे कितने लोग आया आ गए इधर? तो दोनों को आ गया. अरे आया कि नहीं, आया कि नहीं? कम ऑन गाइस, क्या बात है. आईसीए के पेपर सॉल्व करने का मजा ही कुछ अलग है यार. यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट यार. आईसीए का आ गया मतलब, तो यार इससे अच्छा क्या हो सकता जीवन में. आपसे एक सवाल है. हो गया क्वेश्चंस. ह्यूमन रिसोर्स
बीपी है। चलो अगला क्वेश्चन पेपर देखते सर, चार मार्क के लिए क्यों आया? ये आया था 8-10 मार्क के लिए और उन्होंने एमसीक्यू में डाला हुआ। एमसीक्यू हमारे सिलेबस में यहाँ पे देते नहीं है, आपको पता है एमसीक्यू पेपर जमा कर लेते। चलो May 18 देखते हैं, सबको आया, मुझे आ गया, मुझे आ गया, मुझे आ गया, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। May 18 का क्वेश्चन पेपर आईसीए का सीधा वेबसाइट से आपके साथ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हाउ कैन आई, ओ बेबी व्हाट इज दिस बिजनेस इंटेलिजेंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू देयर? आपको याद आ रहा है क्या BI क्या होता है? कुछ बताएंगे BI का? कितने लोगों को याद आ रहा है बताओ पहले। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू, जरा बताओ आप, जरा ऐसा थम्सअप दीजिए अगर आपको आ रहा है तो। थम्सअप चाहिए मुझे, कितने लोगों को आ रहा है थम्सअप बताइए। बताओ भाई बिजनेस इंटेलिजेंस में क्या बात है? क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात? बताओ भाई बिजनेस इंटेलिजेंस क्या देता है आपको? पास्ट और प्रेजेंट के जानते, वो स्ट्रक्चर्ड होगा या अनस्ट्रक्चर्ड होगा? अरे बोलो ना, आपको ये बताना है वो व्हाट हैज हैपेंड का जवाब देगा या व्हाट विल हैपन का देगा? व्हाट हैज हैपेंड, क्या वो आपको टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन देगा या चार्ट्स बना बना के देगा? डैशबोर्ड, ग्राफिकल चार्ट्स, KPI की पूरी इंफॉर्मेशन देगा। किसको देता है इंफॉर्मेशन? ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके, और मैनेजमेंट का क्या फायदा बताओ? अभी तो हमने देखा ना BI के फायदे देखे थे, अभी क्या देखा? अभी मेमोरेटिक नहीं बना, अभी ऑप्टिमाइज डिसीजन मेकिंग अगर लेंगे तो एडवांटेज दो होंगे। अरे कौन से दो होंगे बताओ रे? आपका रेवेन्यू बढ़ता और आपका एफिशिएंसी। बताओ भाई BI के फायदे 5 कौन से? नंबर 1, क्या ऑप्टिमाइज कर लो, आपके रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा, एडवांटेज यानी कि आपका कॉम्पिटिशन में एडवांटेज मिलेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आपका रेवेन्यू हो गया ना 5 एडवांटेज। और क्या चाहिए जिंदगी में, राइट एवरीबॉडी? ओके गाइस, अरुदय कम ऑन, अब देखते एक सवाल, एक सवाल। ओए 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 ओए, क्या लिखा है? ये क्वेश्चन का जवाब आ गया तो मतलब बहुत भारी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंप्लीमेंटिंग आइडियल ERP लगा रहे हो, वेर अ सिंगल डेटाबेस इज बीइंग यूटिलाइज, सबका डेटाबेस एक हो जाएगा, इट कंटेन्स द डेटा ऑफ ऑल द ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स, सारे मॉड्यूल्स हो जाएंगे उसके अंदर, आइडेंटिफाई द मॉड्यूल ऑफ एन, बाप रे कैसा ही है, आइडेंटिफाई द मॉड्यूल्स ऑफ एन आइडियल ERP सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विद देयर फंक्शंस। आपको पता नहीं कि ERP में कौन से मॉड्यूल होते हैं, कितने मॉड्यूल होते हैं? आइडेंटिफाई द मॉड्यूल्स, 11 मॉड्यूल्स है ना, तो बताओ ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 11 में से आप बता सकते कौन से लगेंगे? तो आप जरा याद करो, 6-7 मॉड्यूल बता दो, 11 में से 6-7 के नाम ले लो। चलो प्लांट एंड मेंटेनेंस लगेगा, प्रोडक्शन, HR, फाइनेंस, मटेरियल परचेस करने के लिए, मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स करने के लिए सेल्स लगेगा, क्वालिटी अच्छी करने के लिए और कस्टमर से संबंध बनाने के लिए, और मेरे अगर बहुत जगह पे प्लांट है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स है तो प्रोजेक्ट लगे, और कॉस्ट कम करने के लिए, इसका और अपने बैलेंस शीट देखने के लिए। अरे सभी लगेंगे ना भाई, क्या प्रॉब्लम है, 11 के 11 लगा देंगे, और आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखना पड़ेगा। 6 मार्क का क्वेश्चन, मुझे 6, वो 11 के नाम और 2-2, 3-3 लाइन डाल देना, आपको 6 में से 12 मार्क्स देता हो। देखते कितने लोगों जवाब आया इसका। आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट एवरीबडी? यही दिन का था मुझे इंतजार, मैं आपको बोलता था ना एक दिन वो आएगा, वो दिन आएगा, एक दिन आएगा, आ गया ना दिन, मैंने आपको कहा था वो दिन आएगा। देखो सब लोग, कितने लोग अपने अपने 6-7 मॉड्यूल लिख के बता रहे, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुपर फैंटास्टिक। देखते देखते इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन पूछा गया, कोई भी क्वेश्चन इसके अलावा इस चैप्टर, ओए बेबी 2 मार्क के लिए फ्रंट एंड और बैक एंड पूछा। दोस्तों कहते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, बताओ बच्चों कितने लोगों को याद आ रहा फ्रंट एंड बैक एंड? बोले फ्रंट एंड और बैक एंड एक साथ क्यों कर रहे? अरे कुक और जो सर्व करने वाला बंदा एक क्यों नहीं है? अगर दोनों भी एक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा। आप बताओ फ्रंट एंड का क्या महत्व है और बैक एंड का? कहां पे डेटा स्टोर होगा और कहां पे यूजर किससे बात करता है? बताओ कौन यूजर के करीब है? यूजर से डायरेक्टली बात करता है, यूजर से इनडायरेक्टली बात करता है,
बैकएंड आप बताओ, हम लोग अपने रिक्वायरमेंट किसको बोलते हैं और फ्रंट एंड किससे मांगता है? जवाब कौन देगा? बैकएंड देगा। बताओ हमारे यूजर फ्रेंडली, हमें टेक्निकल भाषा सीखने की जरूरत क्यों नहीं? बिकॉज हमारे सामने क्या है? कलरफुल कौन दिखाता है? रंगी भी रंगी एकदम मस्त आपको एक साथ जल जैसा लगा। कहां पे? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। 6 और 2 8 और ऊपर के 10। आई होप एवरीबॉडी यू गॉट इट। कम ऑन, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट गाइस? May 18 का क्वेश्चन पेपर खत्म, November 18 का खत्म। अरे बच्चों, सारे के सारे जितने पेपर है ना, ये हर कोई सॉल्व कर पाएंगे आप, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको तो कल आने के बाद में May 19 खत्म करेंगे पूरा 19-20 सब, एंड आई एम वेरी श्योर आपको हर एक क्वेश्चन आएगा, बिकॉज हमने पढ़ाई ऐसा है भाई। ओके, आई होप यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट इक्वली। आज आपके मुझे फीडबैक चाहिए, प्लीज सेंड योर फीडबैक ऑन 8669661234 गाइस। आई विल सी यू इन द इवनिंग, शाम में मिलेंगे एफएम के साथ। टेक केयर गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।